अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्याय उपाध्याय का। चोर जिनका नाम वीरू और जय है, पुलिस के अनुसार आजकल उन्होंने मुंबई में अपना ठिकाना बनाया हुआ है। लोगों को सूचित किया जाता है कि इनसे बचकर रहिए, वे किसी भी भेस में आपके सामने आ सकते हैं। अमीर बनकर, गरीब बनकर, पुलिस बनकर, टैक्सी ड्राइवर बनकर या कुली बनकर। चले कुले 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 राजू कुले राजू कुले राजू कुले राजू कुले 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 चले कुले 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 राजू कुले राजू कुले राजू कुले राजू कुले साहब 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 कहां जाएंगे साहब? बात बोलने का बोलो।
मुंबई शहर के अंदर अच्छे आदमी के साथ साथ चोर और ठग भी बहुत है। ऐसा नहीं है कल को कोई चोर सामान आपका ले जावे बाद में आप मुंबई शहर को गाली देवे बोले तो अपने को अच्छा नहीं लगेगा। क्या है कि हर आदमी राजू कुली नहीं हो सकता ना। हाँ, वो बात तो है। चले सामान उतार। चल, लगता है प्लेटफॉर्म पे नया आया है। हाँ साहब, हाँ इसको एड्रेस बता डालो जिस होटल में जाने का आप। ये लो एड्रेस। और तुम? हाँ साहब, ये लो। क्या साहब, क्या कर रहे हो? हाँ, कुली को उसकी मेहनत का पैसा दे रहे हो कि भिखारी को भीख दे रहे हो? यार सामान उठाने का 20 नहीं तो कितना लोगे? अरे कम से कम 100 रुपए तो लेंगे ना। 100? अरे सामान उठाने के पैसे मांग रहे हो खरीदने के? बोले तो। अरे तो सामान उठाने के पहले ही पैसे तय कर लेने चाहिए थे ना। अरे तय तो तुम लोग को करने चाहिए ना मालिक तुम लोग के। मैं बोले तो देखो, ये बोले तो नहीं चलेगा। मैं 20 से ज्यादा नहीं दूंगा। अरे बोले तो ऐसा कैसे बोल रहा है? अरे परेशान के बोले तो मतलब क्या हो गया? अरे गया बोले तो। अरे बोले तो। अरे पकड़ो कोई। अरे देख तेरा भी गया ना मार। अभी क्या, अभी इंस्पेक्टर साहब आ गए। साहब, इनका माल एक टैक्सी ड्राइवर चुरा के ले गया। बता दो सर, एक्चुअली क्या हुआ? वो टैक्सी वाला हमारा सारा सामान लेकर भाग गया। हमारा सब कुछ उस सूटकेस में था। बोले तो साहब उसमें कुछ महंगा भी था। क्या मेरे जेवरात थे? साहब जेवरात थे, मैं बोल रहा हूँ। पीछा करो, पीछा करिए उसका। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? अरे बोले तो मेरे को उसका एड्रेस मालूम है। चलो ना साहब, चलो। आज बहुत दिन के बाद तगड़ा माल हाथ में लग गया है। साले चोरी करके भागता है। अरे इतनी जोर से असली इंस्पेक्टर भी नहीं मारता है, और इतनी जोर से असली टैक्सी ड्राइवर भी नहीं गाड़ी चलाता है, और इतना सामान तो असली कूली भी नहीं उठाता है। अरे यार, मैंने ज्वेलरी का शोरूम मांगा था, कबाड़ी की दुकान नहीं। क्या बातें कर रहे भाया, भारी 5 करोड़ की दुकान तनक कबाड़ी की दुकान लागे है। कौन है ये? कौन है? कौन है? सर ये दुकान के मालिक है। तो इसे कुर्सी देकर बाहर बिठाओ, भाड़ा लिया है ना। हाँ। शूटिंग करने दो, चलो चक चक। कमाल है, जल्दी चलो। आइए सर जी। अरे यार कौन हो यार तुम, कौन हो? अरे भैया मैं दुकान का मालिक हूँ। तो सर पे बिठाओ। क्यों यार बार बार भटके हुए मुसाफिर की तरह अटक रहे हो? जाओ जाओ बाहर, जाओ बाहर जाकर कुर्सी पर बैठो। जाओ 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 यार। फुल लाइट्स, ड्राइविंग स्टार्ट, साउंड रोलिंग, टेक 5, एक्शन। लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे। अरे बिरजू तू आएगा बचुआ, तू आएगा। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? ये बंदूक की नली नीचे कर ले वरना तेरा लाला हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। बेटे क्या कर रहे हो? मेरी माँ के कंगन वापस कर दे लाला। हाँ तुम्हारी माँ के कंगन बिल्कुल संभाल के रखे हुए। अरे सुधा और लक्ष्मी और नलिनी क्या कर रही हो? मुई हो, इनके माँ के कंगन निकालो भैया। क्या कर रही हो लाला? तूने बहुत गरीबों का खून पिया है, आज मैं सब वसूलूंगा लाला। अरे बिरजू बचुआ ऐसा ना करा भैया। अरे ना करा बचुआ। अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे अरे शीशा तोड़ने की क्या जरूरत थी बिरजू बेटा? मैं तुम्हें ऐसा ही देता था। है? अरे सब कुछ तो तुम्हारा ही है, ये तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं जाएगी है। ये लो बिरजू बेटा, अरे तुम्हारे कंगन क्या, हम तो सारे गांव के कंगन तुम्हें दे रहे। बिरजू सबकी माँ के जेवर है बेटा। आधी दुकान खाली कर दी, आज तुझे बाहर छोड़ देता हूँ, वरना तू कहेगा कि लाला अंकल बाहर छोड़ो। लाला मैं तेरे खून से इस दुकान को रंग दूंगा, बाहर चल। बिरजू अरे बिरजू कहाँ करे तो बचुआ? अरे हमारे ये तुम्हारे जेवर लेके चले गए। मैंने अभी तक कट नहीं बोला। शॉट चालू है ना, कट बोल के आता हूँ, रुक गया। अरे ये तो डायरेक्टर भी चले गए। अरे मैं लुट गयो। अरे इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ। अरे पकड़ो, चोर चोर चोर। अरे पकड़ो, अरे चल चल चल। अरे ये कहाँ होते भैया? बिरजू बेटा, बिरजू बेटा, बिरजू पुलिस आ गई। बिरजू बिरजू पुलिस आ गई। पता है लाला मुझे पता है, मैं दम कर रखा है तुम दोनों ने। देखा, अरे तुम्हें कितनी बार समझाया था बिरजू, ये तेरे चक्कर में हुआ है। अरे बोला था इतने सारे कांड मत कर, पुलिस के सांड पीछे पड़ गए ना। लाला मैं अकेले के लिए लूट मार करता हूँ क्या? और नहीं तो क्या? अरे तेरी अय्याशी के चक्कर में हुआ है बिरजू। अय्याशी? हाँ। तूने मुझे अय्याश कहा लाला? शटा, अय्याश है। बंद करो ये नाच गाना। अरे तुम चुप रहो, हम इसको बोलने नहीं देंगे बिरजू। नहीं इंस्पेक्टर आप बोलो, मैं देखता हूँ ये लाला क्या करता है। क्या करता हूँ, क्या करता हूँ? अरे इनका तमंचा पकड़ के इन्हीं की चलपट्टी पे लगा दिया बिरजू। बहुत गलत कर रहे हो तुम दोनों, बहुत गलत डायलॉग बोल रहे हो तुम। अभी अपने आदमियों से कहो कि हथियार नीचे कर ले,
और एक शरीफ बच्चे की तरह तुम हम दोनों को साथ में ले चलो। छोड़ो भैया, अच्छा नीचे रख दो। रख दो भैया, नहीं तो अरे मजाक कर रहे, फिर जो काहे टेंशन ले रहे हो। चलो पोटली उठा लो भैया, जेवर वाली है। अरे वो बंदूक पहुंचा देना। हाँ पहुंचा देना जगह पे। आ जाओ भैया, गाड़ी 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 तक छोड़ दो भैया, शरीफ आदमी है हम लोग, गाड़ी तक बस सामान अंदर रख दो। अच्छे से छोड़ूंगा सब, यहीं से घुस जाओ, यहीं से घुस जाओ भैया, यहीं से घुस जाओ भैया, हम भी घुस जाते हैं। अरे दरोगा साहब, हमारे जेवर मिल गए क्यों? शूटिंग के लिए दुकान देख कर देनी चाहिए थी, पता कर लेना चाहिए था कि असली शूटिंग वाले हैं कि चोर हैं। अरे मैंने क्या मालूम, तो मैं तो 20,000 की लालच में आ गया। लालच में आ गया। Hey man, no money, no entry, go back, go back, go back. Oh, welcome, 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 welcome. आइए। ऐसा मत करो यार, लफड़ा मत करो यार, तू यहाँ मत बैठ यार, समझा कर प्लीज, तू वहाँ बैठ जा। चल हट यहाँ बैठ। चल ना। ओ देखो जीत के कहा जा रहा है।
हाँ? जीतने वाले को तू गाड़ी में छोड़ेगा? क्यों, गड्डी तेरे पे होती गड्डी है। इससे पंगा मत लो यार, तुम लोग मुसीबत में फंस जाओगे। तेरे को मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा। ओ जपाजी भाग गया, ओ हमसे टकरा सके, जमाने में दम नहीं है। साथ मारा मारी मत करो यार, मालूम नहीं तुमको किसका भाई है। शेर पूरा करने दे, बीच में क्यों बोला? और की समझ रखा है, और की मखौल मचा रखा है साला। छोटा भाई, भाई जपा जी की हो गया? इसका तो डेथ हो गया, ये तो मर गया। ओ जयपा जी, ये तो सचमुच मर गया। तो कौन सा मार खाते खाते मरा है, और ये तो मारते मारते मरा, ये तो मारा था हमको। जयपा जी क्या होगा अभी? ये रो क्यों रहा है यार? और तू क्यों रो रहा है यार? तेरा कोई प्राण रखता था, तेरा भाई है क्या? ये अपुन का भाई नहीं था, ये मुंबई का भाई, सर जॉन का भाई टाइगर। कोस्टा, तूने हमें बताया कि नहीं पहले? ये लो। अरे अपुन बोलता बोलता थक गया, इसके साथ पंगा मत लो, इसके साथ मारामारी मत करो। ये किसका भाई है तुमको मालूम नहीं, लेकिन अपुन का कोई सुनता ही नहीं। और ये जब भी अपुन मुंह खोला, इसने अपुन का मुंह बंद कर दिया। इसको कमाल कर रहा है, तू मेरे को डांट रहा है यार। तू मुझे डांट रहा है यार, कमाल करता है यार। लगा तू मेरे को डांटने वाला है। डांटूंगा तुझे यार। अभी तुम चल जयपा जी, भाग जाते हैं। चल किधर जाता है, किधर जाता है तुम लोग? अरे दुनिया का कोई भी कोने में जाके छुप जाओ, सर जॉन तुमको छोड़ेंगे नहीं। वो तो अपन को भी नहीं छोड़ेंगे यार। करता था, जुआ मत खेल, बुरा लत है। भाई का बात कौन मानता है? देख कितना छोटा है, खून निकला है इधर, पट्टी भी नहीं कराया इसका। अरे इधर क्यों लाया तुम इसको? पट्टी कराना था, अस्पताल ले जाना था, अट्टा 10-12 अट्टा खाएगा इसको। खूबसूरत मेरा भाई, भाई अपने आप को संभालने का भाई। 5-6 साल का था, मैं बड़ा किया उसको। हाँ। जब उसकी माँ मर गई, मैं बोला मैं ख्याल रखेंगे। इस दिन के लिए बड़ा किया मैं उसको, इस दिन के लिए बड़ा किया। मेरा भाई तेरे क्लब में गया था ना? हाँ। चल के गया था ना? ऐसा क्यों आया? अभी क्यों बोल? अभी क्या बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्यों आया? ऐसे एक्सीडेंट हो गया, बोलेगा तो बुरा हादसा। लेकिन लेकिन क्लब तो तेरा था ना? मेरा भाई तेरे क्लब में गया, एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ भाई? क्यों हुआ भाई? होनी को कौन टाल सकता है? अरे होनी का ही बाढ़ में भाई होता है जो सर जॉन चाहता है। मेरे भाई के साथ ऐसे क्यों किया तूने? अपन कुछ नहीं किया, फिर भी माफी मांगता है। मुझसे नहीं, मेरे भाई से माफी मांग। हाँ ठीक है, अपुन को माफ कर देना छोटा भाई, अपुन को माफ कर देना। माफी मांग लिया, मेरे भाई नीचे नहीं, माफी मांग। मेरे भाई ऊपर। ऊपर कहाँ? अभी ऊपर जाके उससे माफी मांग। नहीं नहीं, मेरे भाई से ऊपर जाके माफी। अपुन ऊपर नहीं जाएगा, अपुन ऊपर नहीं जाएगा, अपुन ऊपर नहीं जाएगा। माफी मांग नहीं भाई, बहुत डीप है भाई। ओह माय गॉड, अपुन को नहीं छोड़ना, अपुन को नहीं छोड़ना। चल काले जा रहे हो यार? जॉन, जॉन भाई देख, देखिए वही आदमी है जिसकी वजह से हमारा टाइगर मरा, हमारा भाई मरा।
सरजॉन, सरजॉन ये क्या हो गया? हमारा टाइगर भाई मर गया। ऐसा लगता है कि मेरा सगा भाई मर गया है। रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया है टाइगर भाई। आप क्यों तकलीफ कर रहे हो, अपने हाथ गंदे कर रहे हो। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। हे भगवान, टाइगर भाई को क्यों ले गए, मुझे ले जाते। सर जॉन, मैं भी आपका बच्चा हूं। ये नाटक मत कर वरना तूने मेरे भाई को मारा, मेरे भाई को मारा तूने। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, आप इनसे पूछ लीजिए, सबने देखा। टाइगर भाई तो मुझे मार रहे थे, इनका सर टेबल से टकराया और मर गए। हे भगवान, तूने टेबल क्यों बनाया? मेरा भाई तुझे मार रहा था ना, तो तू मर तो नहीं गया। मेरे भाई को क्यों मारा? मैं तुझे सुनता नहीं छोड़ूंगा। भाई, ये अकेला नहीं था, इसके साथ इसका एक साथी भी और था। अरे बात कर रहे हो यार? सर जॉन, उसे टाइगर भाई की मौत का इतना बड़ा सदमा है, मुझे डर लग रहा है कहीं वो आत्महत्या नहीं कर ले। ओए, मैं आत्महत्या करूंगा लेकिन तेरी हत्या के बाद। यही है भाई, इसका साथी यही है। अरे मुझे क्यों बंदूक दिखा रहा हो? मैं तो खुद चल के आ रहा हूँ। और मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं इसकी हत्या करूंगा। वीरू, तू तो मेरा भाई है यार। ओ काय का भाई, कैसा भाई? ओ भाई तो वो होते हैं जिनका खून का रिश्ता होता है, और खून करने का रिश्ता नहीं होता उनमें। अब इसके साथ साथ तू भी मरेगा। ओए मैं क्यों मरूंगा? मैं क्यों मरूंगा? मैं तो डांसर आदमी हूँ, म्यूजिक शूजिक का शौक है मुझे। ओए पत्ते वत्ते तो है खेलना सी। ओ वीरू कंट्रोल यार, भाई की लाश। ओए कुछ नहीं, ओ कुछ नहीं हो सकता, ओ कुछ नहीं हो सकता। हट जाओ इधर से। ओ मैं नहीं छटांगा नहीं। ओ हट जाओ, ओ हट जाओ, ओ हट जाओ। मैं छटांगा नहीं। ओ जयपाजी, ओ जयपाजी लगी तो नहीं थोड़ी सी? ओ आई एम सॉरी यार, ओ आई एम वेरी सॉरी। तो पता लगा, और पाई पाई होता है, और दोस्त दोस्त होते हैं। ओ यार, कब से बोल रहा हूँ यार? करा यार, सॉरी यार। कब से बोल रहा हूँ जबरदस्ती नहीं मारा यार, फिर भी मारी जा रहा मुझे यार। कंट्रोल यार, देखो जा यार। देन शूट, मेरे शूट। नो 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 नो। नहीं, सबसे तेज गाड़ी बाहर निकाल। चल 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 चल। अरे सब बंदूक नीचे करो। अरे गड़बड़ कोई करना नहीं। ये मर सर जाएगा फिर बोलना नहीं। हाँ, अब नीचे कर बंदूक। ओए गद्दी जानी छलांगा मार दी, ओ मैनू याद आए मेरे यार दी। ओ जय पाजी। हाँ जी पाजी। ओ यार, इस बीमारी का क्या करना है? छोड़ दो जी, वही जो हम लोग हमेशा करते हैं। अच्छा, वही पुराना इलाज? वही। जय पाजी, मैं कहूँ अगर जीना है ना तो शहर छोड़ देते हैं, ये गड्डी छोड़ो और ये गड्डी पकड़ लो। आ जाओ। ओए रब्बा, सारे कंपार्टमेंट में सामान के सिवा कोई और नहीं है? यानी कि सामान भी अपना और कंपार्टमेंट भी। हेलो, बचाना कि नहीं बचाना? नहीं बचाना? नहीं, पहली बार ही मिल रहे हम लोग। Hey mister, what are you doing here? Traveling journey, यात्रा, why? पता नहीं, ये रिजर्व कंपार्टमेंट है। और पता है ना, लेकिन मैं लेट आया ना, तो जल्दबाजी में छोटी बात में आया, मैं घुस गया। तो मैंने कहा था लेट आने। अरे अगर तुम कहती तो मैं तो वक्त से पहले आ जाता। बाय द वे, तुम हो कहाँ? शट अप, निकलते वरना चेन खींच लूंगी। सोच लो, पूरे डब्बे में अकेले रह जाऊंगी। खींचू चेन? तुमने मेरी चेन पे हाथ डाला, तुमने मेरी चेन पे हाथ डाला। ओके ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। चल बाहर। मम्मी, तुम फिर आ गए? ओ कुछ नहीं, मैं थोड़ा कुछ भूल गया था। क्या? आ थोड़ा राइट देखो, आ थोड़ा लेफ्ट, हूँ सामने। हाँ, क्या देख रहे हो तुम? वही जो थोड़ी देर बाद टीसी ने देखना है। टिकट। टिकट टिकट। चलने दे, बाद में आऊंगा। माफ कीजिएगा, मजबूरी थी, वरना आपके मुंह लगने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मम्मी! Oh God, AC is not working, fans are not working, train is so slow. Excuse me, ये कंट्री कभी नहीं सुधरेगा। मैं 22 साल के बाद अमेरिका से लौट कर आ रहा है इंडिया, and nothing has changed, you know? Isn't it funny? अरे,
हिंदुस्तान में आकर हिंदुस्तान की हवा खाकर हिंदुस्तान की ट्रेन में बैठकर एक हिंदुस्तानी के सामने तू हिंदुस्तान को गाली देता है? सच बहुत कड़वा होता है, ट्रुथ इज वेरी बिटर, यू नो। आप मुझे बताइए क्या आपका ऐसा कंट्री में क्या होता है जो हमारा कंट्री में नहीं होता है? गिव मी वन एग्जांपल, वन मिसाल, यू नो। मैं तेरे को एक ऐसी मिसाल दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखे। ओके, लेट द टनल कम। हेलो हेलो, टिकट प्लीज। सो हॉट, सो टिकट टिकट। एक्सक्यूज मी, दिस इज माय पर्स, ये पर्स मेरा है। अब तू बोलेगा इसमें पैसे तेरे, ये घड़ी तेरी है, ये कपड़े तेरे हैं। ओह यस यस, एवरीथिंग इज माइन। अरे पागल है, ले जाओ इसे। देयर इज सम कंफ्यूजन, देखे कुछ कंफ्यूजन हो गया इनको। मुझे मिल गई ना मिसाल। क्या मिसाल? नहीं नहीं, बोल रहा था कि हिंदुस्तान में पैसे से सब कुछ मिल सकता है। विदाउट टिकट जा रहा था, बोला कि टीसी को 500 रुपए दे दूंगा, वो भी छोड़ देगा। ओह माय गॉड, ही इज लाइंग, ये झूठ बोल रहा है। हमको बेईमान समझता है, मैं जमानत नहीं होने दूंगा तेरी। चल, बट दिस इज नॉट डन, डैम इट, आई विल सी, दिस इज नॉट डन। चल, ट्रॉली ट्रॉली ट्रॉली, क्लोज अप क्लोज अप क्लोज अप क्लोज। अरे बाप रे, ये क्या रे, क्लोज अप जी, विक्रमजीत सिंह अंदर है? मी माय नेम इज विक्रमजीत सिंह। ओके, द गाय हू सिटिंग इनसाइड इज एन इंपोस्टर। देखो मेरा क्या हाल कर दिया, मेरे को हथकड़ी पहना दिया, मेरा कपड़ा चेंज कर दिया। ये इंपोस्टर है, दिस इज रिडिकुलस, यू डोंट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। जब भेजा इसको, माय गॉड, के नीचे की तो हिंदी बोलेगा। अंदर है, हाथ नीचे कर। अरे हाथ नीचे, अरे चल रे, प्लीज टेल देम माय नेम इज विक्रमजीत। ओ मैडम प्लीज प्लीज, आप तो बताओ यार। जब चढ़े थे तो चोर थे, उतरे हो तो नित्ता शित्ता बने हुए हो, चक्कर क्या है यार? मेरे तो डर लग रहा है कहीं ये हार शार पहना के मुझे हलाल ना कर दे। ओ नहीं यार, ये कौन है? हा? मेरा पीए। अच्छा, आपका चेहरा कहीं देखा हुआ लगता है, फिल्मों में काम करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आप दोनों को लेके एक मैं पिक्चर बनाऊंगा, दो कैदी। जय बाजी, ए कमाल के गंदा, ये है कौन? कमाल दी पकड़े यार। आपको कैसे मालूम पड़ा कि हमको एक्टिंग का इतना शौक है? हैं? और आज गड्डियां बड़ी बदल रही है, और गड्डी जानी है चला गया मारती। आ गए आ गए, नमस्ते करना अंकल को। हाँ, उतरते ही मैंने तेनु। आओ 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 विक्रम, आओ। देखो ये है हमारा 70mm परिवार वाइड स्क्रीन। नमस्ते। लगता है ना सूरज बाट जैसे की किसी फिल्म का वीडियो कैसेट। आओ, मैं क्या, नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, हाय। अरे शनू को देखो, विक्रम कितने बड़े हो गए हो, एंड सो हैंडसम। कितने सालों बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। ये हमारी छोटी बहन शन्नो, इस घर की शशिकला। शशिकला जानते हो ना? मैं चलो मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलवाता हूँ। ये छोड़ेंगे तो बाकियों से मिलेंगे ना? वो तो है। ऐसे बुआ जी, मैं भी बड़ा हो गया, मेरे भी गले लगो ना प्लीज। चलो ना, चलो चलो, अब मैं इनसे मिलवाता हूँ। आप है हमारे बड़े भाई राय साहब, नजीर हुसैन, इस घर के नजीर हुसैन। बेटा कंट्रोल योरसेल्फ। ओके ओके बेटा, इतने सालों बाद मिले हो, गले नहीं लगोगे? अंकल सर, मैं भी। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। ये कौन है? कंट्रोल यार, ये मेरा दोस्त और पीए है वीरू। वीरू नमस्ते भाई, इन्हें पहचाना? हेलो, ये मेरे भाई रमन, ये इनकी बीवी, और वो कमल, उनकी बीवी और उनके बच्चे। हेलो 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 हाय। अच्छा तो बताओ कि मैं कौन हूँ? बसंती। अब मेरा मतलब है किस घर की बसंती? हाय डायरेक्टर साहब। देखा पापा, बचपन में साथ खेले और जवानी में भूल गए। बाय द वे, I'm Rinky. My daughter. ओ ये रिंकी है। कितनी बड़ी हो गई यार। हाँ, तो इसी की बातें करता था ना हमेशा। बड़ी होगी, कमाल होगी। कंट्रोल यार। नहीं नहीं, तुम्हारी है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, ना फोन ना खत, इतने साल कहाँ थे? तीन साल तो तिहाड़ में थे। कंट्रोल यार, तीन साल तेहरान में, दो साल स्कॉटलैंड में। हाँ जी, तेहरान तेहरान। वैसे हमारे जयपाजी की सारी उम्र है ना ऐवे ही घूमते घुमाते निकली है। जयपाजी, मगर तुम्हारा नाम तो विक्रमजीत है ना? हाँ जी, उसकी भी एक कहानी है। दरअसल क्या हो गया कि बचपन में हम लोगों ने शोले पिक्चर कुछ 25-50 बार देख ली, और इमोशन में आकर हम लोगों ने अपना नाम जय और वीरू रख लिया। जयपाजी वीरू पाजी है जी। है बेटा, तुमने बताया नहीं कि डैडी कैसे हैं? डैडी फर्स्ट क्लास है अंकल, मम्मी के साथ घूमने गए हुए यूरोप। हेलो हेलो, मम्मी के साथ? हेलो जी। मगर बेटा, तुम्हारी मम्मी तो दो साल पहले भगवान को प्यारी हो गई थी।
मैं समझ गया कि माँ का एंगल बिगड़ा हुआ है फिल्म में, नहीं दूसरे रील में गायब कुछ कर। क्या बात है बेटा? नहीं अंकल जी, आप ये सवाल मत ही पूछो। देखो नहीं बेटा, बताना तो पड़ेगा ना। अच्छा वैसे हाँ। नहीं अंकल, दरअसल क्या है कि इसके डैडी ने ना इसको दुनिया में किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। देखो कैसे मुंह छुपा रहा बेचारा। लेकिन हुआ क्या है बेटा? लालत है वो, बता दूं? बता यार। उसके डैडी ने ना दूसरी शादी कर ली। अरे रंजीत ने दूसरी शादी कर ली और बताया तक नहीं। और क्या बताया, किसी महारानी शारानी से शादी की है, ऑफिस की नौकरानी से शादी की है, 5 साल छोटी जयपाजी से। ओह ये तो बहुत बुरा किया उसने। क्या नाम है बेटा नई मम्मी का? मम्मी का नाम तो दूर है, आज के बाद अब डैडी का। कंट्रोल योरसेल्फ जयपाजी, कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं ना ना ना, अंकल पागल हो गए, उनका नाम लेंगे। नहीं लोगे ना? नहीं नहीं बेटा। आजा अंकल जी, मैं इनको अंदर ले जाता हूँ। अंदर जाके ना ही माइट फील लिटिल बेटर। रिंकी जी आप हमें ज्वाइन कर लो ना, ही विल फील मोर बेटर। रिंकी विल फील बेटर देयर, यू गो देयर, यू स्टे देयर। ओ मैं क्या, ये कहाँ गए हम? एक बात बताऊं जयपाजी, हम लोग बुरे आदमी नहीं है यार। जब भी चोरी करते हैं बच जाते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं। अब भागे थे पुलिस से बचकर और कहां इस स्वर्ग में आ गए। विरूपा जी, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। अब तूने कभी सोचा था हम लोग ऐसे कमरे में सोएंगे? और मैंने तो कसम खा ली है कि यहां से निकलने से पहले हम लोग इतना बड़ा हाथ मारेंगे, ऐसे 100-100 बंगले बनाएंगे। विरूपा जी तूने देखा ना, एक एक के गले में एक एक किलो का हार लटका था। गला भरा है जयपा जी, गले मिलते हैं। है जी, जयपा जी। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे इंसान क्या कर सकता है। दिलासा नहीं, मुझे वो दो लड़के चाहिए। पुलिस उनको तलाश कर रही है। पुलिस के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो दो लड़के नहीं मिले तो जिंदा नहीं बचेगा। पुलिस को धमकी दे रहे हो? पुलिस को धमकी दे रहे हो? आ देता हूं, क्या कर लेगा? आगा लेगा। बहुत फुदक रहे है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं, यहाँ सबके पास दो दो गन है, सबके पास। छलनी कर देंगे। हाँ भांजे ने कहा उतना करो, जाओ। याद रहे इंस्पेक्टर, वो दोनों जिंदा चाहिए। बहुत अफसोस हुआ भांजी, जैसे ही पता चला सब कुछ छोड़कर गोवा से यहां। कौन थे वो? दो लड़के थे, मेरे आदमी उनके पीछे गए, वो बच नहीं पाएंगे। मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बोल दो, पूरा गोवा तुम्हारी सेवा में खड़ा कर दूंगा। मामा। जय जय। वीरूपाजी वीरूपाजी, वो आगे मैं की करा। ऐप फाड़। क्या बात है जय, मैं कब से बुला रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं दे रहे हो। बात यह है कि मैंने कपड़े नहीं पहने थे ना। जैसे मैंने तुम्हें कभी बिना कपड़े देखा ही ना। तूने बताया नहीं मुझे। तब तुम नहीं थे, ये बहुत छोटा था, चड्डी में घुमा करता था। ये तो आज भी चड्डी में घूम रहा है। जय तुमने बॉडी अच्छी बना ली है। पुलिस के डंडे टूट जाते हैं मगर पार्टी हिलती नहीं है। क्या बात यह है कि बचपन में मैं गुल्ली डंडा खेलता था ना, डंडा टूट जाता था। अभी तो नहीं खेलते ना गुल्ली डंडा? नहीं नहीं, आजकल चोर पुलिस चालू है। क्या? हाँ। अरे इसकी बातों में मत आओ बुआ जी। मुझे बुआ मत कहो ना। तो बुआ को बुआ नहीं तो क्या फूफा जी बोलेंगे क्या? शट अप। एक बात बता यार, ये तेरे पे बहुत लाइन मारती है। क्या बकवास कर रहा है यार? बोल रहा हूँ, एक आदमी अमेरिका से इंडिया काम के लिए आता है और आप लोग उसको जेल में बंद कर देते हैं। दिस इज रिडिकुलस, रिडिकुलस। यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया हु आई एम, यू नो। माय गॉड, तुमने मुझको फिजिकली असॉल्ट किया? डैम इट, मैं तुम्हारा शिकायत करेगा राय साहब से और वो तुमको सस्पेंड कराएगा। साले, जो क्या चीज़ में कॉलर? शट अप। राय साहब जैसे शरीफ आदमी का नाम लेके बचना चाहता है? तुम पहले सच्चाई का पता लगाओ। ठीक है, अगर झूठ निकला ना तो याद रखना, अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, फिर ठंडे से मारूंगा। अंग्रेज की औलाद। साहब इंस्पेक्टर साहब आए हैं। भेजो उन्हें अंदर। जी। बात क्या इंस्पेक्टर? देखिए मैं पंजीम पुलिस स्टेशन से आया हूँ। आप क्या अमेरिका से कोई विक्रमजीत आने वाले थे? आने वाले थे, आ गए भाई। और ये है। अब बात क्या है? एक आदमी ट्रेन में विदाउट टिकट पकड़ा गया है, जो अपने आप को विक्रमजीत कहता है।
शाबाश, ये आपके इलाके की पुलिस। एक आदमी की रेलवे के टिकट खरीदने की औकात नहीं है, वो अपने आप को अमेरिका रिटर्न कहता है और उसकी बात पे भरोसा करके इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे पूछताछ करना। देखिए देखिए, पूछताछ करना हमारा फर्ज है। इंस्पेक्टर, यही विक्रमजीत है, इनके पिताजी मेरे बचपन के दोस्त है भाई। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि वो राय साहब का गेस्ट है? और ये उसके कहने से क्या होता है? लीजिए, हम लोग आपसे कहते हैं कि हम लोग दोनों एनआरआई नहीं, हम लोग चोर है, तो क्या आप मान लोगे? ओए कंट्रोल यार। और नहीं हो रहा है, एक मिनट, मेरे वो सड़क गई है होल्ड कर। हाँ जी, हम लोग आपसे कहते हैं कि हम लोगों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप लुटी, तो क्या आप मान लोगे? कंट्रोल यार। और नहीं हो रहा यार, अभी होल्ड कर। हाँ जी, हम लोग आपसे कहते हैं कि मुंबई शहर के हर पुलिस स्टेशन में हमारे वांटेड के फोटोग्राफ है, तो क्या आप मान लोगे? ओए कंट्रोल यार। और नहीं हो रहा यार, एक मिनट, शांत तो रहने दे। शांत हो जाओ वीरू बेटा, शांत हो जाओ, समझाओ। इसका गुस्सा बिल्कुल जायज है राय साहब, चैन से जीने नहीं देते ये लोग। जहाँ देखो तो पूछते हुए चले आते हैं। अरे चोर सामने खड़े हैं, उनको अंदर नहीं करेंगे, लेकिन शरीफों को अंदर करेंगे। ओ जय बाजी, कंट्रोल यार। नहीं होता यार। अच्छा बीरूपन, हाथ हो गई यार। हाँ, हाँ, चलो, चलो। जय, तुम कहीं नहीं जाओगे, इंस्पेक्टर साहब आप जाइए। जी देखिए इंस्पेक्टर, हमारे घर पर हमारे गेस्ट की इंसल्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। और कुछ गर्म चाहिए आपको? आई मीन कुछ ठंडा गर्म। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, आए थे सब जंजीर के अमिताभ जैसे आए थे, अब जा रहे तो शोले के असरानी जैसे जा रहे। गड्डी जानी अच्छा लगा। विक्रम बेटे, सब कुछ है मेरे पास, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, वर्कर्स, लेकिन पिछले कुछ दिनों से किस्मत साथ नहीं दे रही, पर अब तुम आ गए हो तो लगता है मेरी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? और किससे कह रहे हैं? हैं? बेटे क्या है कि पिछले कुछ दिनों से हम बहुत परेशान हैं, प्रॉपर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, और जैसा कि तुम जानते हो कि फैक्ट्री की मेंटेनेंस, वर्कर्स की सैलरी, इंश्योरेंस वगैरह तो सब वैसे के वैसे ही हैं, खर्चे इतने सारे बढ़ गए हैं, लेकिन समझ लो इनकम बिल्कुल जीरो है। अब बस तुम लोगों पर ही उम्मीद की जा सकती है, मेरी इस फैक्ट्री को सिर्फ तुम लोग ही खड़ा कर सकते हो। लेकिन ये तो खुद लेटा हुआ है। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं अंकल, आगे बोलो। तो तुमने बिजनेस मैनेजमेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया है, अब वक्त आ गया है कि तुम उसकी चमक दमक मुझको दिखाओ। गोल्ड के चोरों गोल्ड मेडल ही समझ रहे हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं अंकल जी, आखिर हमें करना क्या होगा? बस बेटे, आशा की एक ही किरण नजर आ रही है, इंटरनेशनल फूड का टेंडर। वो अगर हमें मिल जाए तो हमारे सारे कर्जे चुक जाएंगे और हमारी ये फैक्ट्री एक बार फिर अपने पांव पर खड़ी हो जाएगी। वो कैसे? बेटे उनके मालिक तो परसों आ रहे हैं, लेकिन उनकी एक एग्जीक्यूटिव है मिस टीना, वो आ गई है। मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट उनके साथ फिक्स कर दिया है, तुम आज ही जाकर उनको मिल लो। क्यों नहीं अंकल? क्यों नहीं? बड़े चले थे ऐश करने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये बुड्ढे ने अपने कंपनी का जनाजा है ना तेरे कंधे पर रख दिया। मुझे तो ये सरजान से भी ज्यादा खतरनाक लगता है जयपा जी। हाँ यार, हाँ लेकिन ये टेंडर कैसे लें यार? चुराने वाली चीज होती तो हम लोग चुरा लेते, लूटने वाली चीज होती तो हम लोग लूट लेते, लेकिन ये टेंडर कैसे ले यार? कमाल करता है तू यार। और मैं क्या करूं यार? और पैसे से हर चीज निपटती है, पैसे से निपटाऊंगा मैं इस बात को। अगर पैसे से ना हो तो साइड में ले जाकर दो हाथ मारूंगा, टेंडर हाथ में दे देगी। हाँ जी चलो। हाँ ऐसे ही होगा। चलो चलो चलो। एक्सक्यूज मी, आपने हमें बुलाया? वो तो बस। You? How dare you enter my office? Get out! अरे आप चिल्ला क्यों रही हैं? आप ही ने तो हमें बुलाया है। अरे जयपाजी, ये आप नहीं है, तू है, तू। ये वही है जो गाड़ी में मिली थी ना, मैंने बताया था। हैं? हाँ जी। कान पकड़। कान क्यों पकड़ो बेचारे? अपने कान यार। अबे क्यों? तूने इन्हें किस कैसे किया है? अलौजी एक मिनट बताता हूँ। ऐसे यार कंट्रोल। ओ कमाल खुड़ी है। टीना जी आप इसे सजा दीजिए, और इसकी सजा ये होगी कि इसे टेंडर दे दीजिए, एक नहीं दो टेंडर दे दीजिए, ताकि इतना बिजी रहे कि फैक्ट्री से निकले नहीं, यही इसकी सजा है। मैं इसे टेंडर नहीं दूंगी, बल्कि इस लायक बनाऊंगी कि ये फैक्ट्री में घुस ही ना सके। हैं जी, हैं जी। ओ यार तुझे किस करने के लिए वही लड़की मिली थी? आप उस बुड्ढे की कंपनी को कोई नहीं बचा सकता यार, कमाल करता है तू यार। ओ इकबाल करते हो यार, मुझे क्या मालूम था कि ये लड़की वही निकलेगी। यार जयपा जी, मैंने उसको किस तो किया था, इतनी नाराज क्यों हो गई? उसके मुंह के अंदर कौन सा चाकू घुसेड़ मारा था मैंने यार? इतनी सॉफ्ट लिप्स है मेरे यार। विरूपा जी, टेंडर वही लड़की दिला सकती है, तू दे पैर पड़ जबी पाप डाले उन्हें यार। सौ में सौ देता, मेरी महबूबा तू होती तो नंबर सौ में।
सलामी दूंगा मैं तुझको, गुलामी भी मैं सहलूंगा, मुझे जिस हाल में रखेगी तेरे साथ रह लूंगा। सलामी दूंगा मैं तुझको, गुलामी भी मैं सहलूंगा, मुझे जिस हाल में रखेगी तेरे साथ रह लूंगा। अगर इकरार तू कर दी, जरा सा प्यार तू कर दी, अगर इकरार तू कर दी, जरा सा प्यार तू कर दी, तेरे कदमों में जाने मन मैं अपना सर झुका देता। हाय महबूबा, तुम्हारी पंजाब की सोनी कुड़ी है। जय, पता है आज मैं तुम्हें क्या दिखाने वाली हूँ? क्या ब्रे? हैं? क्या बे? हमारे स्कूल की फोटो। ओ! बताओ, इसमें मैं कहाँ हूँ? मेरे बाजू में। हाँ, वो क्या? तुम कहाँ हो? तुम्हारे बाजू में। हाँ, वो क्या? हम दोनों कहाँ हैं? आजू बाजू। हाँ, वो क्या? सीरियसली बताओ ना। मैं बताऊँ तुम कहाँ हो? हाँ हाँ, तुम जो हो ना, तुम इसके दिल में हो। क्या बोल रहे हैं? वही जो तू सुन रहा है, वही जो सुन सुन के मेरे कान पक गए कि रिंकी ऐसी होगी, रिंकी वैसी होगी, रिंकी ऐसी लगती होगी, रिंकी वैसी लगती होगी, रिंकी ये करती होगी, रिंकी वो करती होगी, रिंकी रिंकी रिंकी। ओफ ओफ, अगर इतनी दफा तू भगवान को भी याद करता ना, तो आज तू स्वर्ग में होता है। तुम क्या समझती हो कि ये यहाँ पर तुम्हारे डैडी की कंपनी में मदद करने के लिए आया है? नॉट एट ऑल, बल्कि ये यहाँ पर तुम्हें अपना बनाने के लिए आया है। अरे तू कहाँ जा रहा है यार? एक बात बताऊं, इतने दिनों में ये पहला काम है जो ठीक हुआ है। एनु छड़ी ना है, एनु पटाले है। जय बाजी। जय। ये लो, गुलाब गया, गुलदस्ता आ गया। क्या बात है जय, रिंकी बहुत खुश होकर गई यहाँ से। ऐसा क्या कह दिया तुमने, जरा मुझे भी तो सुना। कुछ नहीं, दोनों बचपन के साथ ही है ना, घर घर खेल रहे थे। बचपन के खेल बड़े होकर नहीं खेले जाते, जवानी के खेल तो कुछ और ही होते हैं। ये लो बादाम का दूध, तुम कसरत करते हो ना, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। कभी कभी एक आध ग्लास गरम दूध मुझे भी दे दिया करो। शट अप। यार ये मुझे 2-in-1 समझ रही है, भतीजी टेप सुनना चाहती है और ये बुआ रेडियो बजाने के चक्कर में। यार बहुत ही नसीब वाला है मेरे दोस्त, ये अजीब एक्सचेंज मिला है। पहली बार 14 इंच के टीवी के साथ 36 इंच का टीवी फ्री मिल रहा है। हाँ? हैं जी। क्या डिकॉस्टा, मुंबई दर्शन करवा रहा है क्या? 3 दिनों से घूम भटक रहे हैं, बस अड्डे घुमा रहा है, रेलवे स्टेशन घुमा रहा है, ज्वेलरी की दुकान घुमा रहा है। पिछली बार ऊपर से फेंका था, बच गया था तू। इस बार ऐसा गोली मारूंगा ना, सीधा ऊपर जाएगा। नो, थोड़ा पेशेंस रखने का भाई। क्या है कि ऐसी जगह पे वो लोग चोरी चकारी करते हैं, तो ऐसी जगह पे मिलेंगे ना, मिलेंगे 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 मिलेंगे, जरूर मिलेंगे भाई। रोको 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 रोको, पीछे रुक पीछे रुक पीछे रुक। भाई यही चाहे वो दोनों का दोस्त। दौड़ नहीं सकता वरना पकड़ लेता। बाइक मरेगा तू, दुखता है।
हेलो हेलो बेदी बोल। हाँ आप कौन? अरे मैं जय पाजी बोल रहा हूँ यार। अरे जय पाजी, अरे अरे उल्टा क्यों बात कर रहे हो? नहीं यार मैं ही उल्टा हूँ। अरे आप कहाँ हो? अरे तू वहाँ की तो सुना। अरे यहाँ आने की सोचना भी नहीं, यहाँ का माहौल बहुत खराब है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वीरू पाजी सुन ले यार, एक्सरसाइज सुन ले यार। हेलो आबेदी बोल। सर जॉन के आदमी तुम दोनों को भूखे शेर की तरह ढूंढ रहे हैं। आबेदी बेदी एक मिनट होल्ड कर, जरा एक मिनट, जरा एक मिनट बाथरूम लगी। ओए सुन यार, तू हमारी चिंता ना कर, हम गोवा में एक बहुत बड़ी पार्टी के वहां जमे हैं। जितना भी बड़ा हाथ मारेंगे ना, जो परमानेंट एड्रेस होगा ना, तू उठे आ जाई। अपना ख्याल रखी। मेरी फिक्र मत करना, आप अपनी फिक्र करना, और मुंबई से थोड़ा दूर ही रहना। अच्छा मैं फोन रखता हूं। हां रखता हूं। क्या हो गया पाजी? वीरू पाजी कहता है कि मुंबई तो दूर रहना। ले फिर लग गए। मैं भी आ रहा हूं। हमारे लिए स्टैंडर्ड का मिलना बहुत जरूरी है। जी नमस्ते राय साहब। नमस्ते, नमस्ते। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपको पता नहीं डर्बी की रेस में लंगड़े घोड़े नहीं दौड़ते। तुम ठीक कह रहे हो ठकराल, लेकिन तुम भूल रहे, जैसे तुम लंगड़ा घोड़ा कह रहे हो, सारी जिंदगी उसी के टुकड़ों पर पले हो। उसी ने तुम्हें लात मार कर कंपनी से बाहर निकाल दिया था। उसी ठोकर ने मुझे आपका कॉम्पिटिटर बनाकर खड़ा किया। आपने मुझे सिर्फ कंपनी से निकाला था, मैं आपको शहर से निकाल दूंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। कौन था ये? हमारी कंपनी का एक नमक हराम नौकर। ओ, काफी तरक्की कर गया है। क्या है कि आजकल के जमाने में चोर और ठग ही तरक्की करते हैं। लेट्स गो इधर। जय पाजी, इसका मतलब हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। यार राय साहब की लात में बहुत दम है। हाँ एक लात हमको मारेंगे तो हमारी लाइफ भी बन जाएगी। राय साहब। जेंटलमैन, इंटरनेशनल फूड कॉरपोरेशन के बिहाफ पर हम आपके आभारी हैं कि आपने हमारे साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। सर मैंने सबकी फाइलें देखी हैं। सिंघानिया ग्रुप के पास लेटेस्ट मशीनरी है, मिस्टर मल्होत्रा के पास रॉ मटेरियल्स की बेटर रिसोर्सेस, मिस्टर ठकराल के पास बेहतर मैन पावर, जबकि मिस्टर राय बहादुर के पास या उनके फाइल में ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर राय, आपकी कंपनी के पास ऐसा क्या है जो ये कॉन्ट्रैक्ट आपको दें? मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट की देखरेख मिस्टर विक्रमजीत के हवाले कर रखी है, यही आपको बताएंगे। इन्होंने तुमको मरवा दिया जप्पा जी, हुण की करोगे? ये सवाल आप लोगों के लिए बड़ा होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत छोटा है, और इस सवाल का जवाब मेरा पीए देगा। है जी। ओ कंट्रोल यार। ओके ओके यार। कहिए क्या जवाब है आपका? हाँ जी हमारे पास कुछ नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है कि हमारे पास वो सब कुछ नहीं है जो यहां पर मौजूद बड़े बड़े लोगों के पास है। हमारे पास मल्होत्रा साहब की तरह बेटर मटेरियल नहीं है, हमारे पास ठकराल साहब की तरह मैन पावर नहीं है, हमारे पास सिंघानी साहब की तरह वो क्या कहते हैं, वो लेटेस्ट मशीनरी नहीं है, मगर हमारे पास वो सब कुछ है जो इन लोगों के पास नहीं है। हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो हमें देश के बड़े बड़े आत्माओं ने दी है। हमारे पास आत्मविश्वास है, हमारे पास दृढ़ संकल्प है, हमारे पास सच है, हमारे पास हौसला है, हमारे पास नीति है, और हमारे जो अड्डे पाजी हैं इनके पास दूर दृष्टि है, पक्का इरादा है, अनुशासन है। आप हमसे हाथ मिलाकर ईमानदारी की उम्मीद कर सकते हो, आप हमसे हाथ मिलाकर बेटर क्वालिटी की उम्मीद कर सकती हो, और हमसे हाथ मिलाकर आप लोग अपना सर फक्र से ऊंचा कर सकते हो। और आज मैं एक बात चैलेंज मार के बोल देना चाहता हूं कि यहां पर जितने भी बड़े 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 लोग मौजूद हैं, वो लोग सुन ले कि ये लोग है ना आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगा सकते हैं, अपना पसीना लगा सकते हैं, मगर हम लोग आपके साथ अपना दिल लगाएंगे, अपना खून लगाएंगे, अपनी जान लगाएंगे। एंड आई थिंक आई एम राइट। क्यों जय पाजी? आई थिंक आई एम राइट। सॉरी जय पाजी, हमको इमोशनल है। ठीक सी जेंटलमैन, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बड़े देश में पूरा कर सकता था, लेकिन अपने देश का प्यार और ऐसी भावना मुझे यहां खींच लाई, यहां ऐसे नौजवान ऐसी कंपनी के साथ काम करके
मैं ऐसा गर्व से ऊंचा होगा, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जेंटलमैन तुम्हें देता हूं। सर जी, थैंक यू वेरी मच सर जी, आई कांट टेल यू हाउ मच आई लव यू। वीरपा जी, कंट्रोल यार, आई एम सॉरी यार, सॉरी जी, हो गया जी, सॉरी हो गया जी। अरे विक्रम बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमने टेंडर कैसे हासिल कर लिया। बेटा तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके गोल्ड मेडल हासिल किया है, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने अपनी जबान का इस्तेमाल करके राजपाल का दिल जीत लिया यार। और जी, दिमाग और जबान ही हम दोनों का जब तक चल रहा है तब तक हम इस दुनिया में चल रहे हैं, वरना हमारे पास है क्या? है जी, वो भी है। मुबारक हो राय साहब, मुबारक हो। अच्छा चल ठीक है, आपने टेंडर हासिल किया। हाँ, और तुम्हें कितनी खुशी हो रही है, तुम्हारी शक्ल को देख के लग रहा है। हम लोगों ने टेंडर हासिल किया है, मजदूरों की जरूरत तो पड़ेगी, कल से नौकरी पे आ जाना। दिल देगा साहब का, पाँव छुओ। अरे इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं, छुओ। अभी तो सिर्फ टेंडर हासिल किया है, पूरा नहीं हुआ है। हाँ, देखता हूँ कैसे पूरा करते हो। धमकी देता है, चला है। धमकी दे रहा है हम दोनों को? अरे हम दोनों तो यही खड़े मिलेंगे, लेकिन इसके बाद है ना, तू जो है ना, समझ रहा है, बड़ा खुन्नस में देख रहा है। बेटे आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों ने मेरी फैक्ट्री को टेंडर दिलाकर मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। सही बात बोल रहा, सोना चांदी लेंगे तो बेचेंगे कहाँ? कैश। बेटे घड़ी देते वक्त मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि वक्त इंसान को बनाता है, वक्त इंसान को बिगाड़ता है, इसलिए अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त को हमेशा याद रखना चाहिए, और आज मैं ये घड़ी तुमको दे रहा हूँ बेटा। इन्हें दीजिए अंकल। लो बेटा, इन्हें दे दीजिए अंकल। शायद तुम लोगों को मेरे जज्बात की। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमें दे दीजिए अंकल। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, ये पैकेट भी रख लो, ये भी उन्होंने दिया था। ये मिला, इनसे मिली है, नोटों से भरी तिजोरी खोली और डॉक्टर कोटनिस जिस जमाने में जापान गए थे तब की घड़ी निकाल कर दे दी। और कहता है कि लटकती हुई चीज अनमोल है। बताइए, ये अगर आप बेचने भी गए ना तो 4 रुपए 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। और बोलता है कि एक घड़ी दोनों मिलके बांट लो। एक काम करते हैं, मिनट का काटा मैं रख लेता हूँ, घंटे का तू रख ले, और सेकंड का काटा गरीबों में बांट देते हैं। वीरूपा जी, इस ठाकुर ने भी वही गलती की जो उस ठाकुर ने की थी, हमें तिजोरी दिखा दी। और ना ही यहाँ पर कोई विधवा है, और ना ही हम लोग शोले पिक्चर के वीरू और जाए जो इमोशन में आकर चाबी लौटा दे। हैं जी, हैं जी। अंडा 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 अंडा, हम सबने देखा है, कई बार देखा है, पर क्या कभी सोचा है इस अंडे का क्या फंडा है? ये कितना गहरा है, इस टकले सर के अंदर एक ब्रेन सुनहरा है, ये कुछ समझाता है, ये कुछ सिखलाता है, जरा गौर से सुनिएगा, हम गा के सुनाता है। अंडा 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 अंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, अंडे में अंडा, अंडा फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, अंडा फंडे का फंडा, अंडा आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, अंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। अंडा 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 अंडा, मुर्गियों के बिन मजे की पार्टियां न होती, अगर पार्टियां न होती तो आशिकी न होती, जो आशिकी न होती तो जिंदगी न होती, पार्टियां न होती तो आशिकी न होती, जो आशिकी न होती
सफा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। ऑमलेट के ओ में अंडा, चॉकलेट के चो में अंडा, तोफा के सो में अंडा, कोका के को में अंडा, टॉयलेट के टो में अंडा, वॉयलेट के वो में अंडा, होटल के हो में अंडा, बोतल के वो में अंडा, फैशन के शो में अंडा, राशन की रो में अंडा, एरो में वो में अंडा, कम एंड गो में अंडा, किंग कॉन्ग में भी अंडा, पिंग पोंग में भी अंडा, डिंग डोंग में भी अंडा, सिंग सॉन्ग में भी अंडा। इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। सिर्फ बातें कर सकता है, बाकी और कुछ नहीं। आखिर में राय साहब ने टेंडर ले ही लिया ना। अरे वो दोनों आए हैं ना अमेरिका से, राय ने उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है। लेकिन तू फिकर नहीं करना, इसी दिन के लिए तो मैंने तुझे वहां छोड़ा हुआ था। अच्छा तो मैं क्या कर सकता हूँ वहां? राय की फाइनेंशियल कंडीशन मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो बोनस की डिमांड रख। उसके पास इतना ही पैसा है, या तो वो रॉ मटेरियल खरीद सकता है या बोनस दे सकता है। मतलब माल खरीदेगा तो बोनस नहीं दे पाएगा? ओ, अगर बोनस नहीं दिया तो हड़ताल। अरे क्या बात है भाई, काम शुरू क्यों नहीं हुआ? काम शुरू नहीं होगा सेठ जी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानती हो कि बहुत दुआओं के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद हमें ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, जिसकी डिलीवरी होते ही कंपनी के हालात सुधर सकते हैं। जब तक हमें बोनस एडवांस में नहीं मिलेगा, हम काम पर नहीं जाएंगे। क्या ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? वर्कर्स के लिए कर रहा हूँ, उनकी फैमिली वालों के लिए कर रहा हूँ, और फिर डिलीवरी होते ही डबल बोनस ले लेना भाई। तब की तब सोची जाएगी सेठ जी, फिर भी मैं आपको दो दिन दे रहा हूँ, सोच लीजिए, वरना हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। चलो 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 घर चलते हैं। प्लीज राय साहब, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपकी हर एक चीज गिरवी रखी हुई है और आप बैंक से और लोन लेना चाहते हैं। देखिए जैसे ही मेरा ऑर्डर पास होता है, मैं आपका हर कर्जा पूरा कर दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर आपको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा ना। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस घर को गिरवी रख लीजिए। अरे ये देखो, हमारा घर महाभारत का एपिसोड बन गया है। युधिष्ठिर ने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बिल्कुल सही कह रहा है सर, छुपाने को सिर्फ एक यही छत बची है। अगर ये भी चली गई तो बच्चों को क्या फुटपाथ पर लेकर जाएंगे? चलो तुम लोग भी साइन कर दो। हम साइन नहीं करेंगे। आपने सारी चीजें तो गिरवी रख दी है, कम से कम ये घर तो छोड़ दीजिए। भाई साहब आपका क्या है, आपकी एक बेटी है, कल उसकी शादी हो जाएगी और आप रिटायर हो जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? भाई साहब आप फैक्ट्री क्यों नहीं बेच देते, उसे जबरदस्ती चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भैया हाथी जब तक जिंदा होता है ना, उस पर बैठना शान की बात होती है, लेकिन मरने के बाद उसे कंधे पर लेकर नहीं चलते। चुप करो, कब तक हमें चुप कराते रहेंगे? ये जायदाद आपके अकेले की नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसे हासिल करने के लिए हमें अदालत जाना पड़े। क्या राय साहब, प्लीज पहले आप अपने घरेलू मामले सुलझा लीजिए, ठीक है? जब भी आप फोन करेंगे हम आ जाएंगे। अच्छा हम चलते हैं, बाय। हाँ जी। जयपा जी, ये लोग बड़े होशियार लोग हैं, ऊपर से हमें साथ साथ और अंदर से हम आपके हैं कौन? मुझे लगता है कि ये लोग बुड्ढे को कोर्ट तक ले ही जाएंगे। और ये लोग तो हमारे रिश्तेदार भी नहीं है जो हमको अपना हिस्सा दे देंगे। हैं? हाँ? तो ठीक है, आज रात को हम तिजोरी से अपना हिस्सा लेकर निकल जाएंगे। हैं? हाँ? है जी। जयपा जी कंट्रोल यार, जयपा जी कंट्रोल यार। गड्डी जानी है,
तो क्या बात है, गोल्ड मेडलिस्ट आ गए अपनी औकात पर है? अरे गोल्ड मेडलिस्ट तो हम तिजोरी खोलने में विरूपा जी। चंपा जी। भाई साहब आपका क्या, आपकी एक बेटी है, कल उसकी शादी हो जाएगी और आप रिटायर हो जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा? हम साइन नहीं करेंगे, आपने सारी चीजें तो गिरवी रखी, कम से कम ये घर तो छोड़ दीजिए। डैडी क्या हुआ? डैडी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है बेटा। आपको तो बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट भी हो रही है, जरा खुली हवा में चला जाओ। डैडी डैडी मैं भी आती हूँ डैडी। चाचा जी दरवाजा खोलिए। ओहो कहाँ जा रहे हो? अरे साइन करवाने का बहाना बना रही, सोने भी नहीं देते। अरे सो जाओ चुपचाप से। चाचा जी दरवाजा खोलिए। सोना भी मुश्किल। चाचा जी अंकल अंकल दरवाजा खोलिए। अंकल देखिए ना जानी को क्या हो गया। अरे कहाँ जा रहे हो? सब नाटक कर रहे हैं तुम्हारे भैया, इमोशनल ब्लैकमेल होगा। देखिए ना जानी को क्या हो गया अंकल। सो जाओ, अब सो भी जाओ ना। अंकल देखिए ना जानी को क्या हो गया। जयपा जी ये रिंकी ने हम लोग को देख तो नहीं लिया, पता चले चिल्ला चुला के पूरे घर को बुला लिया। चलो चल के देखते डैडी को हार्ट अटैक आया। तो तुम मशाल पिक्चर के दिलीप कुमार जी की तरह हर दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? सबको उठाने के चक्कर में कहीं तुम्हारे डैडी ऊपर ना उठ जाए। चलो मैं खुद चलकर उनको उठाऊं। मेरा मतलब है कि हम दोनों उनको अस्पताल ले चलते हैं। चलो 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 चलो। एक मिनट डॉक्टर बेटा, एक मिनट। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैक्ट्री को मत बिकने देना। मेरे भाई ये बंटवारा करके शायद चार घर बसा लें, लेकिन 400 मजदूर बेघर हो जाएंगे। तू मेरा बेटा तो नहीं, पर पता नहीं बेटे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो वीरू, वीरू, गुड्डी जानी अच्छा लंगा मार दी, मनु याद आए मेरे यार दी। ओ चपा जी अच्छा हो गया तुम आ गए, मैंने सारी तिजोरी साफ कर दी, आधे घंटे में ट्रेन निकलती है, चलो हम भी निकल लेते। नहीं यार हम नहीं जाएंगे। क्या पागल हो गया क्या तू? अरे इस घर का तख्ता पलट गया है, वो बुड्ढा किसी दिन मिटाया हो जाएगा। तीनों भाई आपस में माल बांट लेंगे, हम दोनों शक्ल देखते रह जाएंगे, बोल रहा हूं मैं तेरे को। देख वीरू, राय साहब की तबीयत बहुत खराब है, अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों चोर हैं तो सदमे से मर जाएगा। हाँ तो मर जाने दे, हम लोग कौन सा रिश्ता रखते हैं उनके साथ? अरे रिश्ता नहीं है यार, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। ओ इंसानियत के देवता, इससे पहले जहां हमने चोरी की थी वो लोग इंसान नहीं थे क्या? उन्हें देखा नहीं था यार, लेकिन यहाँ हम इनके साथ रहे हैं, इनका नमक है। जयपा जी आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई है, इससे पहले कि आप ज्यादा बीमार हो जाओ मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा, आप चलो मेरे साथ। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा। देखो जयपा जी अगर तुम पर इंसानियत का भूत सवार हो गया तो तुम इंसान बने रहो, मैं चोर बना रहता हूँ, भगवान मुझे समझ लेगा, मैं चलता हूँ। मैंने राय साहब को वादा किया तो उसके लिए क्या दोस्ती छोड़ देगा क्या? अरे मैं थोड़ी बोल रहा हूँ जाने के लिए, लेकिन मैं जा रहा हूँ यार। लेकिन माल लेकर नहीं। जयपा जी देखो तुमको मालूम है अगर एक बार माल मेरे हाथ लग गया तो गया। जयपा जी यार जयपा जी तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सॉरी यार। नहीं 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 ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया, इसमें तेरी कोई गलती ही नहीं है, ये लड़की चीज ही ऐसी होती है। दो दोस्त तो क्या, दो भाइयों के बीच में भी आ जाए ना तो उन्हें भी अलग कर देती है। मुझे गलत मत समझ। अरे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, देख ली तेरी दोस्ती। अरे उस बुड्ढे ने हाथ पकड़ कर दो प्यार भरी बातें क्या कर दी, और उसकी लड़की ने कांधे पर सर रख कर दो आंसू क्या बहा दिया, बरसों पुराना दोस्ताना तोड़ दिया तुमने। और याद रखना तुमने थप्पड़ मेरे गाल पे नहीं मेरे दिल पर मारा है जयपा जी, हाथ उठाने के लिए मैं भी उठा सकता था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं। अरे खुदगर्ज तू है, दोस्त को छोड़कर दौलत को लेके जा रहे। ऐसी बात नहीं है, दो घंटा इंतजार करूंगा तेरे स्टेशन पर, दो ट्रेन छोड़ूंगा तेरे लिए, याद आ गई तो आ जाना, और फिर भी नहीं आया तो। तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल।
आ गया तू वापस? हाँ यार, मुझे तेरे पर तरस आ गया यार। मैं सोच रहा था कि मैं प्लेटफॉर्म पर 2 घंटा तेरे बगैर रह नहीं पाया, तू जेल में मेरे बगैर सालों साल कैसे रहेगा? मगर जयपा जी, तुमने भी मुझे रोका नहीं यार। विरूपा जी, मैं जानता था कि तू वापस आएगा। जब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता तो तू मेरे बिना कैसे रहेगा यार? अरे लेकिन कभी सोचा भी है कि जय और वीरू मिलकर यहाँ रहकर करेंगे क्या? यहाँ पर तो कोई गब्बर पाजी भी नहीं है यार। अरे घर में गब्बर है, बाहर गब्बर है, गब्बर ही गब्बर है यार। नहीं जय, नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तू मुझे फिल्म शोले में छोड़कर चला गया। थूक बे, पागल हो गया है? तेरा थूक यहाँ हम मरने नहीं मारने आए। अगर ऐसी बात है ना जयपा जी, तो हम दोनों मिलकर एक एक को चुन चुन के मारेंगे। चुन जरा तो नहीं बोल रहा हूँ। जब बोली दिया है तो काम कर लेते। तू चुनने का काम कर और मैं मारने का काम करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी हुई? तुमसे एक बात पूछनी थी, इधर आओगे? तुम्हारे दोस्त जय और वीरू कहाँ हैं? जी मुझे नहीं पता। बता दे वरना तुझे ऐसा सुलाऊंगा कि फिर तू कभी नहीं उठ पाएगा। मोंटी ऐसा नहीं करते, वो बताएगा। तुम्हारे दोनों दोस्त कहाँ हैं? वो क्या है कि वीरू पाजी को ना ठंडी जगह बहुत पसंद है, शायद शिमला गए होंगे। शायद या पक्का? सही पता बता। कश्मीर भी जा सकते हैं। जा सकते या गए? वो क्या है कि जय पाजी को पुरानी इमारतों से बड़ा लगाव है, शायद शायद जयपुर कुछ कर गए होंगे। शायद? ए मैन, अपुन को देख, अपुन इनका साथी है फिर भी क्या हालत बनाई है। तू खाली सोच तेरा क्या होगा। बता दे। बताता हूँ। पुरानी इमारतें दिल्ली और आगरा में भी है ना, शायद वहां गए होंगे। इसे होश में लाओ मोंटी, अभी तो इसने हिंदुस्तान के आधे शहरों के भी नाम नहीं लिए। भाई अपुन को तो ऐसा लगता है कि ये बाकी शहर के नाम नहीं बोल पाएगा और उसके पहले ही बताएगा। दुखता है, फोन। हेलो। ओए बेदी, ओए मेरे भाई, ओए शुदाई, मैं वीरू बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है जी? मैं मकान मालिक बोल रहा हूँ। ओ पांगे साहब। हाँ पांगे साहब। ओ पांगे साहब यार, कभी तो किराया भूलकर इंसानों की तरह हमें भी ट्रीट किया करो। वो बेदी को जरा परेशान ना करना, जब हम लौट कर आएंगे ना तो आपका किराया नहीं आपका मकान ही खरीद लेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन तुम लोग आओगे कब? वो बेदी को जरा फोन देना। बेदी? बेदी का तो इंतजार हम भी कर रहे हैं। अच्छा, जब आ जाना तो उसको कह देना कि जय और वीरूपा जी गोवा के अंदर ऐश कर रहे हैं, वो आगे मैं ज्वाइन कर ले। गोवा में हो? लेकिन गोवा में कहाँ हो, बेदी कहाँ आके मिलेगा? आज लिखो। हाँ बताओ। ओ गोवा का प्लेटफॉर्म है ना, वहां से बाहर निकलो तो मेन मार्केट पे आओगे। मेन मार्केट पे जब आओगे ना। नहीं मोंटी, मोंटी। हेलो। ओ यार, कोई बात नहीं, दोस्त ने इतनी मदद तो कर ही दी है। हमें पता है वो लोग गोवा में हैं, मामा और भांजे से। वो दोनों कहां बचेंगे? ओ लग गया बाबा, लग गया बाबा। चलो चलो चलो। एक मिनट, भूल गया था। धन्यवाद। धन्यवाद।
जय, सो रहे हो? नहीं, मर गया हूँ। मुंह पर कंबल क्यों ओढ़ रखा है? वो ढंग का कोई कफन नहीं मिला ना। शुभ शुभ बोला करो, मरे तुम्हारे दुश्मन। तुम जागते हुए कितने हैंडसम लगते हो, मैं देखना चाहती हूँ कि सोते हुए कैसे लगते हो। तो अंदर आ जाना कंबल में। नहीं बुआ जी, आप बुआ जी मत बोलो यार। तुम? हाँ मैं। क्या बात है, आज सवेरे सवेरे हमारे कमरे में कैसे आ गई बुआ जी? वो क्या है ना कि मुझे न्यूज मिली है कि फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई है और तुम दोनों को जल्दी बुलाया, समझ गए? ओके। यार इनके ओके में बड़ा दर्द था यार। हाँ? गड्डी जनी अच्छा लगा, हटो तुम मार दी। अच्छा बाजी, इसे तो कोई पंगा लगता है, लेट अस एक्ट लिटिल सीरियस। आइए आइए, अमेरिका की गोल्ड मेडलिस्ट, भारत का इतिहास सुनाकर कॉन्ट्रैक्ट तो हासिल कर लिया। मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर पूरा कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे जी? कैसे करोगे, मजदूर तो सब स्ट्राइक पर है। मजदूर क्या तुम बाहर से लाओगे? हैं, आप नमक हराम के राजेश खन्ना तो नहीं हो ना कि मजदूरों को बस में कर लो? हैं? और जयबाजी, ये लोग तो बड़ा भिगो भिगो के जूता मार रहे हैं। वीरूपाजी, मुझे लग रहा है कि ये स्ट्राइक हमें किसी भी हालत में तोड़नी पड़ेगी। व्हाट इज योर फीलिंग? आई हैव गॉट अ सेम काइंड ऑफ डाउट। लेट अस ट्राई। ओके ओके। जय भैया, हम हड़ताल नहीं करना चाहते, हम तो काम करना चाहते हैं, मगर वो बाबूराव बोलते जो भी काम करेगा हम उसे मार डालेंगे। और जय पाजी, और मैंने बाबूराव की शक्ल देखते ही पहले दिन नहीं कहा था कि लगता है कि ये एक दिन हमारे से मार खाएगा। कंट्रोल कर यार। और नहीं हो रहा यार। नहीं हो रहा है। और नहीं ना। तो चल। है? 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 अरे ओ चंगू मंगू, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? और यार, हमने सुना है कि मजदूर काम करना चाहते हैं, तू काम करने नहीं दे रहा उनको, है? ठीक सुना है तुम दोनों ने, जो लोग हमारी बात नहीं सुनते ना वो यहाँ मजदूरी करने लायक भी नहीं रहते। सुना है, और हम लोग प्यार से बात कर रहे हैं, तू टपोरी वाली लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो भी हमारे साथ है। सुनो, तेरे और हमारे बीच में सिर्फ सूट का फर्क है, ये सूट उतर जाएगा ना तो तेरे से भी बड़े टपोरी हम लोग। इसको विश्वास नहीं हो रहा। जब अजय तुम सूट निकालो। व्हाट आर यू डूइंग? मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं हो रहा ना, मैं बोल रहा हूं सूट निकालो। नहीं निकालो, फीलिंग्स आई यार। नहीं नहीं, इज्जत का सवाल है, तुम्हें निकालना पड़ेगा यार, इतना मेहनत से बॉडी बनाई है। प्लीज यार, पंजाब केसरी हो यार, जट्टों की इज्जत का सवाल है। नहीं नहीं, निकालो। ओके आशो भाई, सवाल है यार, मेरी बात मानो यार, मैं छोटा भाई हूं, मेरी बात कंट्रोल कर यार। हां कंट्रोल नहीं हाथ होती है यार, तुम मुंह क्या देख रहा है? लड़ेगा नहीं, पैर देगा। बहुत हो गया मजाक। एक मिनट होल्ड, पापा जी, अगर आज इसने मार नहीं खाई ना तो तुम्हारी हड़ताल बंद नहीं होगी, तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए बोलता हूँ बैठ के बात करते आओ। आज मैं तुम लोग को ना एक इमोशनल स्टोरी सुनाता हूँ। ये दुनिया में जितना भी जो भी किस्सा है ना, है वो भूख का है। तो आज ये सुनो वीरू और जय पाजी की दर्द भरी दास्तान। हमने सबसे पहले रोटी चुराई, फिर हमने चुराया दूध, फिर दही, फिर एक आध दो दिन तो ऐसे ही कट गए जी, फिर हमारी भूख नहीं मिटी, फिर हमने एक अच्छी खासी बड़ी है चोरी की, और फिर उसके बाद फिर हमारी भूख नहीं मिटी जी, फिर हमने डाका डाला, ला जी उसके बाद भी हमारी भूख नहीं मिटी। अब भूख है, मिटती नहीं है जल्दी। भूख जो है उसके बाद इतनी बड़ी है कि उस चक्कर में हम लोग यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद आप बताओ हमारी भूख के बीच में जो भी आएगा है, अब छोड़ेंगे उसको? नहीं जी। अब ये भाई साहब जो है ये लतखोर है, इसको ऊपर वाले ने जो दिया उससे ये खुश नहीं है, ये बाकी मजदूरों का भी खा जाना चाहते हैं। तो अब तो ये मार रहे हैं मेरे दोस्त को, लेकिन अब मेरा प्राइस को मारेगा। और कंट्रोल यार, इतना मत मार। और कंट्रोल यार, did it.
बस करो यार, ओ बस करो यार, बस करो, क्या कर रहा है यार, शर्ट पहन यार, और शर्ट पहन ले, मैं कह रहा हूँ मर्डर केस हो जाएगा, समझता नहीं है। चलो चलो चल इधर से, चलो यार आ जाओ, ऐसे अच्छे आदमियों को जाना नहीं मारते यार, चलो। ओ, 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 आप लोग भी हड़ताल खत्म करो, अपना काम करो, बीबी बच्चों का ख्याल रखो, पेड़ भर के खाना खाया करो यार, ऐसे नहीं करते। बहुत अच्छा आइटम था। क्या जब देखो टीवी देखते रहते हो, चलो बंद करो और पढ़ाई करो। दीदी हमें शक्तिमान देखना है। कोई शक्तिमान वक्तिमान नहीं, चलो बंद करो और पढ़ाई करो। दीदी अगर आपने टीवी बंद किया तो हम शक्तिमान को बुलाएंगे। अच्छा जी, जैसे कि आपका शक्तिमान रोड पर बैठा हुआ है, आप बुलाएंगे और वो आ जाएगा। ये लो बंद कर दिया, अब बुलाओ अपने शक्तिमान को। मैं जाग रहा हूँ, सो गया सारा इंडिया, तेरी
ले गई मेरी निंदिया, मेरी बिंदिया उड़ा के ले गई तेरी निंदिया। क्यों परेशान होती है? और फिर तेरा एक थोड़ी तीन तीन बाप है, ये देख। एक्सक्यूज मी, ऑपरेशन से पहले इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए। जी डोंट वरी, भगवान ने चाहा तो राय साहब को कुछ नहीं होगा, ही विल बी ऑल राइट। ओके भैया, वो क्यों बेकार की फुटेज खा रहे हैं आप है? भैया इनको डर है क्या है? बाईपास में कभी कभी आदमी पास भी हो जाता है, इसलिए आपसे बात करने आए हैं। करो। क्या बात करने आए हो भाई साहब? वो क्या है कि आपके साइन लेने हैं। मगर साइन तो तुम दोनों को करने हैं। हाँ हम तो कर लेंगे, लेकिन आपके साइन होने हैं। क्या है ये भैया? वो आप गलत मत समझिएगा, लेकिन भगवान आपको लंबी उम्र दे, मगर मगर क्या? मगर भगवान ना करे अंदर जाने के बाद आपको कुछ हो गया तो। इसलिए प्रॉपर्टी के पेपर साइन कर जाइए ताकि हम बराबर से बांट लें। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए। तो आज तुम लोगों ने अपना असली रूप दिखा ही दिया। यहाँ तुम्हारा भाई जिंदगी से लड़ रहा है और तुम उसकी मौत की कामना कर रहे हो। रिलैक्स डैड। क्या रिलैक्स? जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ, मैं तुम लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जाओ, जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी जाओ। वो मारेंगे। जाऊं? ठीक है। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, आई विल बी ऑल राइट। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? फाटक क्यों बंद किया? मालिक का हुक्म है, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। कौन से मालिक की बात कर रहे हो? हम ही तो मालिक हैं। हाँ? नहीं, वो राय साहब ने पावर ऑफ अटॉर्नी का लेटर साहब को लिख कर दे दिया ना, तो अभी यही मालिक है ना। ये 20 रुपए का स्टैम्प पेपर का हरा थप्पड़ मारा आप लोगों के मुंह पर ना, इनकी तबीयत हरी कर दी उन्होंने। वीरू, इन नमक हरामों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। सबसे पहले इनका मोबाइल ले लो। ऐसा मत करो यार। अरे कंट्रोल यार। ओके यार, कंट्रोल। हाँ जी, बहुत खराब लग रहा है वैसे मेरे मन को, दिल भी दुख रहा है, रोड़ा भी आ रहा है, मगर अपना निकालो यार सब कुछ। पहले मोबाइल फड़ाओ यार, अब फड़ाओ यार। क्यों? दिल नहीं भरा ना आप लोगों ने? वो क्रेडिट कार्ड भी ले लो। और लाइफ में इनके कोई क्रेडिट नहीं बचा तो ये क्रेडिट कार्ड रखे क्या करेंगे? वो पागल हो गए। निकालो और निकालो यार, अच्छे आदमी हो। साहब जबरदस्ती सब क्या हो रहा है? ओहो, जो हो रहा है हो जाने दो। क्या है साहब, डेंजरस आदमी है। गाड़ी की चाबी भी ले लेना। और नहीं, चाबी नहीं ले जाती यार मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। चाबी बेचारे सूट वूट में आए थे वो। निकालो यार, चलो चाबी निकालो। गाड़ी की किधर रखी गाड़ी की चाबी यार? अच्छा नहीं लग रहा इसे मेरे को, लेकिन साहब मगर क्या करूं। लेकिन हम जाएंगे कैसे? वो 250 की बस जाती है ना उधर से। हाँ। वो 250 की बस जाती है वहाँ पर, वो जाकर ना बस स्टैंड है ना, वहाँ पर जाकर लाइन में खड़े हो जाओ, वहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा वीरू, हाँ? सूट भी निकाल ले। नहीं सूट तो नहीं, लेकिन इनके पैंट का जो मटेरियल है ना, वो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। और भाई साहब, और किधर जा रहे हो भाई साहब? वो कंट्रोल यार। और भाई साहब, और मैं क्या और पेट्रोल का टैंक पूरा करना है? जी हाँ सर। पानी भी चेक कर ले यार। जी हाँ सर। पीछे का शीशा भी साफ कर लेना, आगे का भी साफ कर देना यार। वीरू पाजी। हाँ जी। ये पीछे वाला कुछ जल्दी में लग रहा है। कोई बात नहीं जा पाजी, हम लोग तो आराम से हैं। ओए पेट्रोल भरो। 2 मिनट साहब। ओ जय पाजी, और इसने तो गाड़ी ठोकी हुए। एक मिनट, आप एक मिनट ठहरो, मैं देखता हूँ। और कंट्रोल यार। और नहीं हो रहा यार, आई कांट हेल्प। है? है? ओ बे ओ, ओ खड़ी गाड़ी ठोकता है, और कुछ टूट फूट गया तो कौन भरेगा, तेरा बाप? भाई, क्या बाप? है? बाप। भाई, ये तो वही है। बाप, अरे बाप। बाजी की है। ओए बाप, ओए बाप, बाप, बाप। ए, मेरे भाई को मार के तुमने अच्छा,
चला गोली चला। अगर दशरथ रावण के पुतले की तरह जलाकर राख नहीं कर दिया ना तो विरूपा जी मेरा भी नाम नहीं। ओ विरूपा जी डायलॉग बजी तो टाइम नहीं आजा बैठ जा गड्डी में। ओए जयपा जी लेट मी एंजॉय यार। मामा अगर वो दोनों मुझे नहीं मिले तो मैं पूरे गोवा को आग लगा दूंगा। क्रोध न कर भांजे ये लो आरती। दूर रखो, अगर तुमने मेरी आरती उतारी तो मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। अरे कैसी बातें करते हो, ये लो आरती आरती। दूर रखो दूर रखो दूर। मामा माउस देख नहीं रहे मामा, हम दोनों पेट्रोल में नहाए हुए मामा। ये आरती अगर ले ली तो हम दोनों को आग लग जाएगी, दोनों जल जाएंगे। अरे ये सब कैसे हुआ? अरे मामा वो पेट्रोल पंप पर वो तो हरामी टकरा गए थे, उन लोगों ने हम पर पेट्रोल छिड़क दिया। अरे ये तो भगवान की दया थी कि हम दोनों बच गए, लेकिन हमारी गाड़ियां जल गई मामा। फिकर नहीं करना भांजे, मैं हूँ ना गोवा से, हमारा दुश्मन भाग जाए लानत है तेरी मामा पे। तो आरती ले आरती ले। ये लो। अरे बस भी करो ना बुआ। मुझे बुआ मत कहो ना। ओके सारा खाना एक ही आदमी को खिला दोगी क्या बुआ? आज संतोषी माता का व्रत है, बहुत भूख लगी है। मटर पनीर, वाह वाह वाह। हाथ नहीं लगाने का। क्यों क्या हुआ साहब, क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? इनकी खाने की टेबल इनको दिखाओ। ओ ऐसी बात है, एक मिनट एक्सक्यूज मी प्लीज। आई इधर आइए सर भाई, आई। अरे लेकिन खाना तो आप कुछ मत बोलिए, आपको तो कुछ पता ही नहीं है क्या गड़बड़ कर देंगे साहब। आपको तो पता है ना कि पावर ऑफ अटॉर्नी इनके हाथ में, सबको निकाल। अच्छा आइए आइए, आप लोग लेडीज लोग भी आइए इधर, आप लोग इधर आइए। क्या कर रही है उधर? ये रही आपके खाने की जगह। ये? हम खाएंगे, हम यहाँ खाएंगे। अरे आप लोग का नसीब अच्छा है कि यहाँ पर खाएंगे, अगर कुछ और नाटक किया तो इससे भी जाएंगे। हाँ खाएंगे। देख लिया बड़ा दम भरते थे अपने बड़े भैया का, रोटी प्यास पे उतार दिया। उन्हीं की वजह से इसने हमारी उसने हमारी हालत नौकरों से बदतर कर दी है। हाँ। वैसे आप लोग की लाइफ ऐसे कब तक चलेगी? लेकिन हम कर क्या सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इधर बैंक में पैसे कितने आपके? 2.5 करोड़ रुपए होंगे। 500 रुपए छोड़कर सारे पैसे निकाल लीजिए। अरे लेकिन भाई के सिग्नेचर और डायलॉग भाई के सिग्नेचर के बगैर पैसे कैसे निकाल सकते हैं? आप बड़े पोले हैं और जाली सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं? अरे लेकिन 420 के केस में अंदर नहीं हो जाएंगे? अरे अंदर तो तब हो जाएंगे जब यहाँ पर रुकेंगे ना। तो कहाँ जाएंगे? अमेरिका में। अमेरिका? हाँ मेरी अमेरिका में बहुत चलती है, मैं वहाँ पर आपका वीजा लगवा दूंगा। जब तक बड़े भैया हॉस्पिटल से निकलेंगे आप लोग वहाँ पर सेटल हो चुके होंगे। सोच कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो वीरू भैया, चलो अमेरिका। ये सब तो ठीक है लेकिन तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो? हाँ क्यों? सीधी बात है, अगर वो बड़े भाई के साथ मिलकर मुझे नौकर बना सकता है तो क्या मैं छोटे भाइयों से मिलकर उसको बुद्धू नहीं बना सकता? सच का इस खुशी में हमारे साथ खाना खा लो। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे हैं? नहीं। हे राम, 3 घंटे से एक सिग्नेचर की नकल करने की कोशिश में लगे, अभी तक नहीं हुआ। अरे तुम लोग कुछ पढ़े लिखे हो भी कि नहीं? अरे एग्जैक्ट सिग्नेचर होंगे तभी तो पैसे निकलेंगे ना। करो ना भाई साहब, कैसे सिग्नेचर करते हैं, नकल हो ही नहीं रही है। अरे आज तक तुमसे जिंदगी में कुछ हुआ भी है? अच्छा हाँ, हो गए हाँ, आप एक साथ इतना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं? मजबूरी है मैनेजर साहब, फैक्ट्री में यूनियन का लफड़ा चल रहा है। और मैनेजर साहब आपको तो मालूम है राय साहब हॉस्पिटल में और उनका बाईपास होने वाला है। राय साहब की नॉलेज में है आप इतना सारा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं? उन्होंने कहा निकाल लो, फिर देखते हैं क्या करना है, वरना वो साइन ही क्यों करते। एक्सक्यूज मी, हेलो। राय साहब के भाई बैंक से 2.5 करोड़ रुपए निकालने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चेक पर जो दस्तखत है वो जाली है। आप कौन? नाम बताऊंगा दामाद बनाएगा अपना, सारी दुनिया को हम बना रहे हैं, हमको बनाने लग गया है। देखिए इस वक्त हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हेड ऑफिस से मंगाना पड़ेगा। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, आप लोग घर जाइए, मैं पीछे से रुपए लेके आ जाता हूँ। दैट विल डू। ठीक है ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। चलो भैया थोड़ी देर में पैसे घर में आ जाएंगे। अमेरिका में मुझे क्या बोलेगी? हाय, हम तो तैयार हो गए भाई, वी आर रेडी। अरे इतनी छोटी सी बैग में सब सामान आ गया? सिर्फ ज्वेलरी और जरूरी चीजें हैं, बाकी सब पुरानी चीजें हमने यही छोड़ दी चन्नो और रिंकी के लिए, वरना कहेंगे कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। और वैसे भी अमेरिका में साड़ियाँ कौन पहनने वाला है? मैं तो सिर्फ ट्राउजर्स और जीन्स ही पहनूंगी बस। और क्या दीदी, जैसा देश वैसा भेष, जहाँ रहेंगे वहीं के कपड़े पहनेंगे। मैंने तो अपने बाल
भी चुन करा लिया। मैंने भी। क्या बात है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका जा रहे हैं ना? वीजा का इंतजाम हो गया कि नहीं? जी सारे इंतजाम हो गए, पर थोड़ी देर में निकल पड़ेगी। पैसे आ गए? मैनेजर लेकर आता ही होगा। आ गए। ये मैनेजर साहब साथ में पुलिस क्यों लाया है? अरे 2.5 लाख रुपए नहीं, 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़। अरे सिक्योरिटी का इंतजाम करके लाया होगा। इंस्पेक्टर साहब यही है वो दोनों। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? इन दोनों ने राय साहब के जाली दस्तखत करके 2.5 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की। क्या? भगवान, आप लोगों ने अपने देवता समान भाई के साथ ऐसी हरकत की, अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें नहीं तो हमें उकसाया था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक में आप लोग कुछ भी बोलूंगा तो आप लोग मान लोगे। मैं बोलूंगा 10 माले से कुछ जाओ तो आप लोग कुछ जाओगे। मैं कहूंगा जहर खा लो तो आप लोग खा लोगे। अरे मेरे मजाक को आप लोग ने इतना संगीन रूप दे दिया। जो कुछ भी बोलना कोर्ट में जाके बोलना, यहाँ ड्रामा मत करो। चलो ये हथकड़ी भाई साहब, कुछ कीजिए ना, इन्हें बचा लीजिए। लो, अमरीशपुरी और मदनपुरी को विदा करने के लिए चमनपुरी भी आ गए। भाई साहब, क्या बात है इंस्पेक्टर, ये मेरे भाइयों को हथकड़ी क्यों लगा रखी है? इन्होंने आपके जाली दस्तखत करके 2.5 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की। किसने कहा था जाली दस्तखत किए हैं? मैंने निकालने को कहा था इनसे। क्या भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई जो आप सुन रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाइयों को हथकड़ी पहनाने की? अगर आपको कंफर्म ही करना था तो आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते थे। चलिए निकालिए इनकी हथकड़ी। सॉरी भाई साहब, सॉरी भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए, सब भूल हो गए। अरे उठो ना यार, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने भाइयों के लिए, ताकि जिंदगी में मेरे भाइयों को तकलीफ ना उठानी पड़े। माफी चाहते हैं राय साहब, ये जो कुछ भी हुआ ये हम दोनों ने जानबूझकर किया, आप लोगों को करीब लाने के लिए और आप दोनों को बताने के लिए कि आपका बड़ा भाई देवता है। अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। हाँ जी, माफ कर दो। देखो, आज के बाद तुम हमारे मेहमान नहीं हो, हमारे घर के एक सदस्य हो, बस। मैं भी? अरे कमाल हो गया। वैसे एक बात बताऊं, आप पहली बार मुझसे प्यार से गले लगे हो। चलो चलो, लेट्स हैव लंच नाउ। चलो, ये कैसे हो गया? तू टहल क्यों रहा है? सोच रहा हूँ यार। क्या सोच रहा? अरे ये भी कोई लाइफ है? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ यार, सुधर के जीने में कोई मजा नहीं है। ऊपर से साला उस बुड्ढे को पता चलेगा ना तो सीधा जेल भिजवा देगा। बगैर पगार के नौकरी कर रहे हैं हम लोग। एक काम करें, यहाँ से तिजोरी साफ करके निकल लेते। तुझे यार तिजोरी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता? यार मेरा बस चले तो मैं सीधा ताजमहल पर हाथ डालूं, लेकिन इतना बड़ा आइटम है ना, वो चेकनाका पे पुलिस क्रॉस नहीं करने देगी। तू भी यार। यार जब मुझे तू तू बोलता है तो मुझे तू क्यों लगता है यार? पागल हो गया यार। अच्छा बोल, आगे क्या बोलता? बोल। ये तुझे नहीं लगता कि एक घर हो, घर संभालने वाली हो? काम वाली रखेंगे ना 2-3। अबे बेवकूफ, घर घर वाली संभालती है, बच्चे संभालते हैं। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ गया। मैं जल्दी से अपने लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ और तेरे लिए भाभी का बंदोबस्त करता हूँ। अरे मेरी बात, तू घबरा मत, साल भर में 2 बच्चे पैदा करूंगा जो तुझे ताऊ ताऊ कहकर पुकारेंगे। अब तू टहलना बंद कर, मैंने तुझे जबान दे दी है। हैं? यार इसे कहते हैं मतलबी नंबर वन। चूल्हा मैंने अपने खुद के लिए जलाया और खाना इसने खुद के लिए पकाया। यू मी आई माई कुछ नहीं, जिंदगी में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज बहुत हो गया है, अब सीरियसली बैठकर कुछ बातचीत की जाए। मुझे तुमसे कुछ चुप, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अरे क्या है, ठंड लग जाएगी, बीमार हो जाओगी तुम। देखो मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक दोस्त है और कल रात को बहुत परेशान था, उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं। तो मैं क्या करूं? चुप, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है हमको करना है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चलना है। डोंट मिसबिहेव विद मी, आई डोंट लाइक इट। मैंने अपने दोस्त को वादा किया है कि मैं उसको भाभी ला कर दूंगा और उसके लिए शादी करने की जरूरत पड़ती है और शादी के लिए एक लड़की की जरूरत पड़ती है। बैठो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले अपनों को चांस दिया जाए, और तुम कहोगी कि किस करने के लिए मैं थी और शादी करने के लिए कोई और तुम हर्ट भी हो सकती हो ना। और हाँ, सीधी सीधी शादी होगी, 4 आदमी तुम्हारे घर के आएंगे, 4 आदमी मेरे घर के आएंगे। ज्यादा भीड़ भड़का मुझे पसंद नहीं है, 2 सिग्नेचर हो जाएंगे, काम तमाम हो जाएगा बस। मैं और तुमसे कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होगी। साल भर में 2 भतीजे देने का वादा किया मैंने अपने दोस्त को। 8 बजे कोर्ट पहुंचाना, 8 बजे शादी का मुहूर्त है और 11:40 को सुहागरात का।
कर ले रे, ओ सलोनी प्यार कर ले रे, कर ले प्यार कर ले रे, ओ सलोनी प्यार कर ले रे। जानी अच्छा लांगा मार दी, मैनु याद आए मेरे याद। एक बात बताओ, जब पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी और हमने तुम्हारे गले पर चाकू रख दिया था, तो तुमने कभी सोचा था कि ये आदमी तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा? उस मुलाकात में लगा था कि तुम एक नंबर के गुंडे हो, मुझे नहीं पता था उस गुंडे से मुझे प्यार हो जाएगा। अरे अपनी तो निकल पड़ी। क्या मामा, इतने बड़े गोवा में उन दोनों को कहां ढूंढेंगे? फिक्र मत कर भांजे, कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। क्या जमाना आ गया। ये देखो, तुम्हारा गोवा तो कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया। टूरिस्ट स्पॉट है ना, बाहर के लोग यहाँ के बेकाबू हो जाते। अरे भाई लाइट हो गई है। जयपाजी, ओए मैं क्या जयपाजी, ओए बड़ी गड़बड़ न्यूज़ है, वो सरजान और ठकराल तो मामा पांजा निकले हैं जी, और दोनों मिलकर हम लोग को गोवा में ढूंढ रहे हैं। मेरा तो खून खोल रहा है जयपाजी, दिल कर रहा है कि बोरिया बिस्तरा बांध कर भाग जाऊं यहाँ से। ओ यार वीरूपाजी, कहाँ तक भागेंगे यार? ओ यार पकड़े गए तो बड़ी ठुकाई हो जाएगी जयपाजी। ओ यार मैंने एक आइडिया आया यार। बताओ। क्यों ना हमारी ठुकाई होने से पहले हम दोनों उन दोनों की ठुकाई कर दे। हैं? अच्छा भाजी आपके आइडिया में तो बहुत दम है, और मैं तो कहता हूँ कि बुजुर्गों ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं, आज रात नू। ओए कंट्रोल कर यार। नहीं चल। क्या बात है, बड़ा पेपर शेपर पढ़ा जा रहा है।
अबे कोई टाइम होता है कोई चीज करने का, ये तेरे पिटने का टाइम है, तो उससे पहले ही तुझे आ गई। ए, आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ए, मोंटी, तुम वीरूपा जी, मैनू लगता है इनू पता सी, डर के मारे देखो कहां बैठा है साला। और खाया क्या है तूने यार? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और क्या छोड़ूंगा नहीं, इतनी लंबी लंबी तो छोड़ रहा है, और कितनी छोड़ेगा? फ्लैश कीज सर जॉन, तुम बॉम्बे के इतने बड़े डॉन हो, तुम्हारी इज्जत करते हैं इसलिए भाग के आ गए, और फिर भी तू यार हमें परेशान करने के लिए इधर आ गया आरामखोर। अरे क्या कर रहे हो बाप रे, तुझे कहां है हम लोग ने उठने के लिए यहां से? हां अभी तुझे सुधारने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, और जय पाजी बता दो उसको क्या रास्ता है। ओए ठुकाई, जय पाजी इनसे तो मिल ली है, अब चलकर मामा जी से भी मिल लेते हैं, तो बुरा मान जाएंगे बेचारे। चलो। हाँ चलो। तुम्हारे मेरे रूम में आने की हिम्मत कैसे हो गई? अरे कमाल करता है यार, फूल जैसी लड़की के साथ कांटा लिपट चिपट रहा है। कमाल करता है यार, अकल है कि नहीं? केकड़े जैसी बॉडी और फूल नाल दमाल कर रहा है। और तू ना डरो, तू मेरे पास आ जाए, राजा पाजी मैं ये केस संभालता हूँ, आप ये केस संभालो। कंट्रोल कर यार। और नहीं हो रहा यार। ओ यार मेरा की? और कुछ नहीं, गरीब लड़की बाहर छोड़ के आ रहा हूँ यार, कमाल कर दे। ओके एंजॉय। आजा आजा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं हुआ, हम लोग बैट बॉल खेलने आए हैं, हमारे पास बैट है बॉल नहीं है, आज तू हमारे लिए बॉल बन जा। आजा आजा मेरे लाल भांजे, धोबी भी इतनी बुरी तरह से कपड़े नहीं धोता जितनी बुरी तरह से हमारी धुलाई की है। लेकिन मामा, उन दोनों की दुश्मनी तो मेरे साथ थी, उन्होंने तुम्हारी धुलाई क्यों की? नहीं नहीं, ये दोनों मेरे दुश्मन है, इन दोनों की वजह से मेरा लाखों का नुकसान हुआ है, तू तो ऐसे गेहूं में घुल की तरह पिसा। नहीं मामा नहीं, तू नहीं जानता है, यही दोनों कुत्ते हैं जिन्होंने हमारे भाई टाइगर का खून किया। क्यों भाई? हाँ भाई, तुझे कंफ्यूजन हुआ है, वो अमेरिका से आए हैं, एनआरआई है वो। अरे क्या एनआरआई मामा, ना ही है ना ही, मुंबई के लुच्चे लफंगे। मतलब हम दोनों का दुश्मन एक ही है? हाँ, यानी कि ये जय और वीरू राय साहब को बेवकूफ बनाकर उनकी हजामत करने के चक्कर में है। मैं अभी जाके उन दोनों की पोल खोल देता हूँ। अरे मामा, उन दोनों ने तो हमारी ये हालत कर दी है कि हम व्हील चेयर से भी नहीं उठ सकते, और वैसे भी अभी राय साहब हमारी बात नहीं सुनेंगे, अभी लोहा ठंडा है, पट्टिया खुल जाए फिर हथौड़ा मारेंगे। अरे वो सब ठीक है भांजे, अगर वो नकली है ना रहे तो असली कहा। To me? Yes, I am talking to you. All right, but I'm not sure. मैं चोर नहीं हूँ। अरे what not sure? हैं? अरे black and white फिल्मों से लेकर इस्तमान कलर की फिल्मों तक हर चोर पकड़े जाने के बाद यही डायलॉग मारते हैं। शर्म नहीं आती तुझे? But मैं चोर नहीं हूँ। क्या चुराने आया था तू? मेरी कहानियाँ? This is crazy. क्या समझा? क्या समझा तूने? किस डायरेक्टर ने भेजा तुझे? हैं? सुभाष घई ने भेजा? No. यश चोपड़ा ने भेजा? Sorry. विनोद चोपड़ा ने भेजा? किसने भेजा तुझे? किसने भेजा तुझे? मैं मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं आना रही हूँ यार। तो शेखर कपूर ने भेजा है, बोलना सीधा, बोलना सीधा। चोर चोर चोर, होल्ड योर हैंड्स। चोर हमारे रहते दूसरे चोर आ गए, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में चोरी करने की? देयर इज सम कंफ्यूजन, ये मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी। चोर, ओए होल्ड कर यार, कोई डायरेक्शन नहीं चल रही। मैं विक्रमजीत हूँ, रंजीत का बेटा, अमेरिका, अमेरिका से आया हूं। अमेरिका से? आप इधर आइए, इधर आइए। ओह थैंक गॉड। हाँ, आप जरा डिटेल में बताना कि वो आदमी कौन था, कैसा था, किधर था, मुझे जरा जल्दी समझ में नहीं आता। Do you understand English? Yeah. मुझे एक बहरूपिया ने फंसा कर जेल में डाल दिया। Yeah. मैं किस मुसीबत से जेल से बाहर निकल के आऊँ सिर्फ मैं जानता हूँ भाई साहब, सिर्फ मैं जानता हूँ। Yeah. आदमी कैसा था? टॉल डार्क हैंडसम हसलर। या ऐसा तो नहीं था? धोखे बाज, चाल बाज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और नकली विक्रमजीत बनकर तू हमारे घर में घुस गया, और असली विक्रमजीत वहाँ पर जेल में रोटियां तोड़ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Mind blowing. चल जेल। Not me. मेरा मतलब तू ही चल। But why always me? Okay, let's go. इंस्पेक्टर साहब,
इंस्पेक्टर साहब लुक। तुम बाहर कैसे निकले? लॉकअप तोड़ के और कैसे? और मैं कहता हूँ कि ये पुलिस स्टेशन है कि तबेला है। वीरू पाजी कंट्रोल कर यार। वो नहीं हो रहा यार, वो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इसको अंदर करो। देयर सम कंफ्यूजन। देखिए मैं रियल विक्रमजीत हूँ और ये दीस टू गाइस आर फ्रॉड, यू नो ये फ्रॉड है ये लोग। इंस्पेक्टर साहब ये बहुत बड़ा मुजरिम है। पहले टाइम बिना टिकट के पकड़ा गया, दूसरे टाइम लॉकअप तोड़ के भागा है और अब राय साहब के घर पे चोरी करते हुए पकड़ा गया। और तो और ये कह रहा था रास्ते के अंदर धमकी दे रहा था कि इस दफा अगर मैंने जेल तोड़ी ना तो इंस्पेक्टर साहब को भी ना। अच्छा नो 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 नो, हवलदार जरा मेरा डंडा तो लाना, इस विक्रम को तो मैं बेताल बनाऊंगा। चालानदार है जी, है जी, है जी। ओ कमाल का मजा आया डिस्को में, लेकिन वो अरे आओ आओ, तुम्हारा इंतजार था। देखो तो तुमसे कौन मिलने आए हैं, तुम्हारे डैडी। बेटे ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरे डैडी नहीं है। हाँ जी। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पिताजी हैं रंजीत। अरे यार ये मेरा बेटा नहीं है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि आप मेरे डैडी हैं? मैंने तो आपको डैडी की पोस्ट से उसी दिन निकाल दिया था जब आपने अपनी स्टेनो से शादी की थी। स्टेनो क्या बकवास कर रहा है? अरे इसमें कुछ झेपड़े की बात ही नहीं है, राय साहब तो अपने घर के आदमी, हम लोगों ने पहले दिन इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया है जी। तुम कौन हो, तुम कौन हो? ओ जब आप अपने सगे बेटे को पहचानने से इनकार कर रहे हो तो उसके गरीब दोस्त को कैसे पहचानोगे? अरे लेकिन एक बात बताऊं अंकल, ये अच्छी बात नहीं है। एक नई पत्नी के लिए पुराने बेटे को इस तरह से भूल जाना। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा डैडी। कंट्रोल यार नहीं होता यार। अच्छा तो बोल, बहू लाने के बजाय आप एक बीवी ले आए, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? मुंह तोड़ दूंगा। भाई कंट्रोल यार। रंजीत क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो रंजीत? जवान बेटे पर हाथ उठाओगे? झगड़ा किस घर में नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ा कि रिश्ते तोड़ दिए जाएं? अंकल इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये बुढ़ापे का इश्क होता है ना ऐसे ही होता है। अब इनके दिमाग में ना वो चम्मक चिल्लों के अलावा ना कुछ भी नहीं है। ये मेरा बेटा नहीं है। ये रहा मेरा पासपोर्ट, इसमें फोटो देख लो और बाप का नाम पढ़ लो। अरे बोला ना, बाप का नाम तो सही है लेकिन ये फोटो, ये मेरा बेटा नहीं है। बस बात हो गया रंजीत। अरे एक मिनट यार, इतना बड़ा आदमी हो गया लेकिन तेरा ठरकी बना नहीं गया। ठरकी और नहीं तो क्या? याद है कॉलेज में तूने अर्चना के चक्कर में मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और फिर सुषमा के चक्कर में तूने अर्चना को पहचानने से इनकार कर दिया, और फिर कॉलेज में पास होने के लिए 40 साल की विधवा प्रोफेसर के चक्कर में आकर तूने सुषमा को पहचानने से इनकार कर दिया, और अब 50 साल का हो गया और एक 25 साल की बच्ची के चक्कर में अपने 30 साल के बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया। जा मैं भी तुझे नहीं पहचानता। राय तू भी इन लोगों की, ठीक है मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, होम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, यूएनओ में जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अरे तुझे जहाँ जाना चले जा, इन बच्चों का अकेला मत समझ, आज से मैं इन दोनों का बाप हुआ। छोड़ दो यार। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है, मेरा बेटा गायब हो गया है और उसकी जगह एक बहरूपिया ने ले ली है। कहीं आपके बेटे का नाम विक्रमजीत तो नहीं? जी हाँ जी हाँ। क्या वो राय साहब की हवेली पे जाने वाला था? जी हाँ जी हाँ। आप इज्जत से बाहर जाएंगे कि लात मार के बाहर निकालूं? क्या मतलब? मतलब ये कि उस विक्रमजीत की असलियत मैं अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ। मैंने जिंदगी में अपने बाप से कभी इतनी डांट नहीं खाई जितनी उन लोगों से खा चुका हूँ। समझ गया क्या? आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। हाँ? आपने भी पैसे खाए हैं। मतलब आप सब ठग हैं, ठग। डैड विक्रम बेटे, प्लीज हेल्प डैड, लुक लुक व्हाट दे डिड टू मी। विक्रम अरे अरे बेटे, ये क्या हाल बना रखा है? कितना परेशान किया है डैड। बट डोंट वरी बेटे, अब मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी बेटे। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर साहब आज मैंने देख लिया, कानून सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि लूला भी है, लंगड़ा भी है, बहरा भी है और गंजा भी है। चुप। बेटा तो चोर है ही, बाप भी चोर नजर आता है। अब देखना मैं तुम्हारे पूरे गैंग को कैसे पकड़ता हूँ। गैंग को पकड़वा दूंगा? अरे मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। तू मेरी वर्दी उतरवाएगा? हाँ। अंदर करो इसको। हाँ साहब। और जितनी खातिर हमने इसके बेटे की है उससे डबल बाप की करो। यार जयपा जी। हाँ विरूपा जी। ऊपर वाले ने हमारी देर से सुनी, मगर सुनी जरूर। चकदे फटे, चकदे फटे। लगता है विरूपा जी अब हमारी सारी तकलीफ दूर हुई। मैनू भी लगता है। आई स्वेयर यार। सुनो जयपा जी, मुसीबत आ गई। मैंने कहा सुनो। हाँ जी, हमको सुनाई नहीं देता, हम भरे हैं। मेरी बात का सीधे से जवाब दो। हमें बोलना नहीं आता, हम गूंगे हैं। राय साहब कहाँ है? मर गए जी, मर गए, मर गए। मर गए कब? तुम्हारे तब। उनके भाई तो वो कहाँ गए? वो दोनों बर्बाद हो गए जी, वो अपना घर भेज गए हमको।
तुम लोग हो कौन? अपनी शक्ल तो दिखाओ। क्यों अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हो? शट अप! इतना बुरा लग रहा है तो जाओ ना यहाँ से। मुंह फाड़ कर हमारे सर पर क्यों खड़े हो? किन बेशर्मों को घर बेच दिया है? इन बेशर्मों को अपना घर बेच दिया है। तुम जिंदा हो? तुम्हें क्या लगा मैं मर गया हूँ? नहीं नहीं नहीं, ये लड़के लोग बोल रहे थे कि तुम मर गए हो, तुम्हारे भाई लोग ये सब कुछ बेचकर चले गए। ये 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 मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने सुना तुम लोगों ने कहा कि मैं मर गया हूँ। और दरअसल हुआ ही अंकल जी कि पुलिस को देखकर हमको ऐसा लगा कि आप पर कोई नई मुसीबत ना आ जाए, इसलिए पुलिस को टालने के लिए हमने ऐसा कह दिया। फैंटास्टिक, कितने अच्छे बच्चे हैं ना ये। अरे ये बच्चे को ना जरा मिलवाओ, ये तो सही। अरे अपना रंजीत है ना जो अमेरिका चला गया। ओ हाँ हाँ हाँ, ये उसका बेटा है, ये इसका जिगरी दोस्त। और हाँ भाई, ये मेरा कजन है शक्ति सिंह, मुंबई पुलिस से। आओ भाई मिलो, आओ मिलो मिलो। मेरा नाम है इंस्पेक्टर शक्ति। क्या हुआ गया, इतने डर क्यों गए? नहीं कुछ नहीं, बड़े खूबसूरत बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, ये बताओ कैसे आना हुआ? क्या हुआ कि मुंबई की ज्वेलरी शॉप में एक बहुत बड़ी चोरी हुई, मैंने उन दोनों चोरों को पकड़ा, उन दोनों ने मेरे को बेवकूफ बनाया और भाग गए। अगर वो दोनों चोर मेरे हाथ लग गए ना तो मैं उनको मार मार के उनके दांत तोड़ दूंगा, उनको थर्ड डिग्री दूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। आओ आओ चाय पीते हैं। आओ भाई आओ चाय पिए। जय पाजी, ये पिछले जन्म में हमने क्या पाप किया था जिसका श्राप हम आज तक भुगत रहे हैं? ये पिछले जन्म का पाप नहीं है, इसी जन्म का श्राप है। हाँ जी हाँ जी, नहीं तो वो इंस्पेक्टर राय साहब का रिश्तेदार थोड़ी निकलता जिसके कानपट्टी पे हम दोनों ने बंदूक लगाई थी। चलो कमाल कर, फिर कोई नए राय साहब ढूंढते हैं, फिर कोई नई दुकान ढूंढते हैं ज्वेलरी की, फिर टिकट लेंगे, फिर भागेंगे कहीं पर। जय पाजी, ये आपकी है? ये आपकी है? एक्सचेंज हो गई थी। हाँ यार। अरे भाई ये मेरी तरी, ये क्या हो रहा भाई? कुछ नहीं राय साहब, बस यूं ही अंडरवे खेल रहे थे। अंडरवे खेलते में सामान क्यों पैक कर रहे हो भाई? हम लोग जा रहे हैं राय साहब। जा रहे हो कहाँ? जी आपकी कंपनी सेट हो गई है, आपको सारा ऑर्डर भी मिल गया है, अब हम दोनों रुक के यहाँ पर क्या करेंगे? अरे ऐसे कैसे जा सकते हो, एक काम बाकी है रिंकी बेटा। हाथ थामो बेटा। जय पाजी, आप हाथ थामो, मैं आया। अरे तुम कहाँ चलते हो, एक मिनट रुको। टीना टीना बेटा है जी है जी है जी। अरे क्या हैं जी करते रहोगे, इनको ले जाओ, नाचो गाओ और गोवा की नाइट लाइफ को एंजॉय करो यार, जाओ। कंट्रोल यार, अब नहीं होंदा यार। ठीक है यार।
गॉड का भी अजीब स्क्रीन प्ले यार। जब ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो एक साथ इतने तूफान भेज दिए यार। जयपा जी, मुझे तो लगने लगा है कि गॉड जी चाहते ही नहीं है कि हम सुधरे। अब मेरे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है। जयपा जी, आज तुम्हें गॉड से पूछ के रहूंगा। कंट्रोल यार वो नहीं हो रहा यार। गॉड जी मैं क्या आज खुश तो बहुत होंगे आप। जिस जय वीरू ने आज तक तुम्हारे दरवाजे पे चक्कर नहीं लगाया, जिन्होंने आज तक तुम्हारे चर्च में नाक नहीं रगड़ी, वो दोनों आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं, मैं क्या खुश तो बहुत होंगे आप। मैं बुलाने आया था तुम्हें। जयपा जी तुसे सुनिया, गॉड जी बोल रहे हैं। गॉड जी बोल रहे हैं। बोल ही नहीं रहा हूं, तुम्हें देख भी रहा हूं। जब आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो एक बात बताइए, थोड़ा प्रॉब्लम की है यार। और कंट्रोल यार नहीं होता यार। अच्छी खासी जिंदगी जी रहे सी, सर जॉनू भेज देता, कमाल करते हो यार। गॉड जी है यार, गॉड जी है। सॉरी यार। उसके भाई के साथ जुआ खेलने के लिए मैंने कहा था तुम्हें। मैंने कहा था ना, और गॉड जी है बहुत गलत नहीं है, गलत है। लेकिन गॉड जी, अब तो हम दोनों शराफत की जिंदगी जी रहे हैं, अब क्यों इंस्पेक्टर नू पेज दिता। तुमने बाबूराव को पीटा, ठकराल को धोया और सरजॉन के। गॉड जी, सरजॉन की बात मत करो, और सरजॉन की बात मत करो, वो तो बहुत बड़ा सिनर, खूनी, पापी थे, इनह्यूमन आदमी है, उसकी बात मत करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। गॉड जी बोल रहा हूं। मगर तुम दोनों को उसी के हाथों मरना होगा। जयपा जी, गॉड जी डरा रहे हैं। कुछ कर यार। कुछ नहीं, गुड फ्राइडे वाले दिन आएंगे तो गुड़ गुड़ गला करेंगे तो गुड़ गुड़ आशीर्वाद मिलेगा, तब तक के लिए गॉड जी गुड बाय। कहां जा रहे हो? तुम्हारी मौत तो आज ही लिखी है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। एक मिनट भांजे, एक मिनट। तुम अगर इन दोनों को मार दोगे तो मेरा 2 करोड़ का नुकसान कौन भरेगा? हमा, इन दोनों को देखकर लगता है इनकी औकात है 2 करोड़ लाने की। कहां से लाओगे तुम 2 करोड़? कमाल कर दियो तुसी, कौन बनेगा करोड़पति से? एक मैं ले आऊंगा, एक ये ले आएगा। नहीं, मैं तो छप्पर फाड़ के दे। मजाक नहीं। अरे कमाल कर रहे हो यार, कमाल कर रहे हो यार। जब मालूम है हमारी औकात नहीं है तो क्यों बंदूक दिखा रहे हो बार-बार? ओ कंट्रोल यार। अरे यार, यार मैं बताता हूं कहां से आएगा। राय साहब की तिजोरी है ना, उसमें बहुत सारा माल है, वहां से आएगा। अच्छा जी, कमाल का आइडिया है। और कमाल का आइडिया, मैं तो कह रहा हूं 5 मिनट आप लोग वेट करो, हम लोग 10 मिनट में आते हैं। ए रुक, इधर आ। क्या हुआ मामा? ये छोटा बहुत चैप्टर है, तू रुक, तू जा इधर, इधर इधर। हाँ तू जा। जय पाजी, आ जाना यार, घबराहट सी हो रही है मुझे। फिकर ना कर यार, गॉड इज ग्रेट। नहीं, गॉड तो ग्रेट है ही, लेकिन ये 4-5 जो है ये ग्रेट गैम्बलर लग रहे हैं मुझे। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता। अरे 5-5 है यार। है जी, है जी। हाँ, और तेरे और गॉड के भरोसे हूँ, आ जाना। और यार थोड़ा सी ऑफ कर रहा हूँ, आ जाना। गॉड जी, अब मेरी जो जिंदगी है ना, अब आपके और जय के हाथ में, अब बचा लेना। हाँ नमस्कार, इंडियाज मोस्ट वांटेड में आप सभी क्राइम फाइटर्स का मैं स्वागत करता हूँ और वचन देता हूँ कि अपराध के खिलाफ आपकी और हमारी जंग जारी रहेगी। क्या चल रहा है? बैठ बैठ। इंडियाज मोस्ट वांटेड। हमारे आज के अपराधी हैं 2 चोर जो दिखने में तो हीरो लगते हैं लेकिन अपनी शक्ल सूरत पर्सनैलिटी से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फरवरी मुंबई,
जुहू का इलाका, पीएन ज्वेलरी शॉप में फिल्म शूटिंग के बहाने ये दोनों आए, एक मदर इंडिया का सुखीलाल बनकर और दूसरा बिरजू, और फिर ये दोनों लाखों रुपयों के जेवर लेकर गायब हो गए। ये दोनों बहुत ही छटे हुए बदमाश हैं, कल ये आपको भी बेवकूफ बना सकते हैं। इनसे होशियार रहिए, इन दोनों के नाम है जय और वीरू, और ये रही उनकी तस्वीरें। इन लोगों को कहीं देखा है ने? हैं? इन्हें गौर से देखिए, ये आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में कहीं भी हो सकते हैं। इन्हें देखते ही नजदीक के पुलिस स्टेशन में या हमारे टेलीफोन नंबर पर इन्फॉर्म कीजिए। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? हाँ, हमने तुम्हें यहां अपने परिवार के सदस्यों की तरह, अपनी बहुओं, बेटियों और बहनों के बीच में रखा, अपने जानने वालों से मिलवाया, तुम्हें इज्जत बख्शी। हमने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा किया जो तुमने हमें यह सिला दिया? हम यह चोरी के इरादे से आए थे राय साहब, लेकिन यहां की हालत देखकर, आपकी और आपकी फैमिली का प्यार पाकर, हम अपने बिगड़े हुए कल को भूलकर आज में जीने लगे। जो चोरी तुम अपने गुजरे हुए कल में करते थे, वही आज भी कर रहे हो, फर्क क्या? राय साहब, वीरू को गुंडे उठाकर ले गए, एक घंटे में अगर मैंने उनको 2 करोड़ रुपए नहीं दिया तो वीरू को मार देंगे। मुझे तुमसे और तुम्हारे दोस्त से कोई मतलब नहीं। तुमने मेरे दिल को दुखाया, मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा, वरना तुम चले जाओ यहां से। अच्छा, गेट आउट। खड़ी रहो। पापा जय को रोक लो, पापा, पापा प्लीज। पापा अगर उसे चोरी ही करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता। अगर आपने उसे बाप का प्यार दिया है तो उसने भी बेटे होने का फर्ज निभाया है। प्लीज पापा। भैया, वो चोर जरूर है, लेकिन मेरा दिल कहता है वो गलत इंसान नहीं है। भैया, उन दोनों ने जो काम करके दिखाया वो फिल्मों के हीरो ही कर सकते हैं। हम बिगड़े हुए भाइयों की आंखें खोल दी उन्होंने। भैया, अगर आप ये समझते हैं कि इस प्रॉपर्टी में मेरा कुछ हिस्सा है तो मुझे मत दीजिए, आप जय को दे दीजिए। भाई साहब, अगर पैसे कम पड़ जाए तो मेरे हिस्से से दे दीजिए, लेकिन उन्हें बचा लीजिए। भाई साहब प्लीज, उन्हें बचा लीजिए। हाँ भैया, अगर वो दोनों तुम जैसे पत्थरों के दिलों को मोम कर सकते हैं तो मेरा दिल तो पहले से ही मोम है। गुस्से में ना जाने क्या क्या भूल गया। अरे, उन दोनों के लिए मैं 2 करोड़ तो क्या पूरी जायदाद दे सकता हूँ। चलो। 2 घंटे हो गए भांजे, वो अभी तक नहीं आया। आएगा मामा, आएगा, नहीं तो कहाँ जाएगा, उसका साथी है हमारे पास। आओ आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। कहाँ है पैसा? उन लोगों को हमारी असलियत मालूम पड़ गई है। मैं पैसे नहीं लाया। पैसा नहीं लाया तो इधर क्या मरने के लिए आया है? वीरू का है। ए, ए, संभाल के रखा है उसे। क्या कहा था तूने कि मेरा भाई एक हादसे में मरा था ना? ऊपर जाके देख, एक हादसा तेरा भी इंतजार कर रहा है। जा, जा। वीरू, वीरू पाजी। जय पाजी, मैं इधर हूँ। ओ यार, कमाल करता है तू यार, इतना बड़ा टेंशन हो रहा है, तू कबूतर पे बैठा है यार, कमाल करता है तू यार। जय बाजी, कंट्रोल यार, कंट्रोल। ओए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और जो कर रहा है ये बम कर रहा है, बम। जय बाजी, इन लोगों ने मुझे कमोड के ऊपर बिठाकर इस बम के साथ फिक्स कर दिया है, बहुत ही गड़बड़ कर दी है। जय बाजी, जय बाजी, मुझे एक लाइफ का लेटेस्ट एक्सपीरियंस हुआ है यार। किसी भी गरीब आदमी को ना
कमोड पर नहीं मारना चाहिए, वो चोट उसके दिल पे लग जाती है और वो फिर इस किस्म के बदले लेता है। अरे इनको बाद में देख लेंगे, अभी तो उठ यार। बाजी मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठूंगा तो मैं दुनिया से उठ जाऊंगा, जब तक मैं बैठा हुआ हूं तब तक ये बम बैठा हुआ है। इन्होंने कुछ न्यू स्टाइल का बम जो है ना उसकी इजाद की है, कुछ अजीब ही है, इसके नीचे वेट मशीन रखी हुई है जो मेरे उठने का वेट कर रही है, जैसे मैं उठूंगा मैं दुनिया से उठ जाऊंगा। जय पाजी एक मिनट यार, मुझे देखने दे। एक सजेशन दूं, आप भगवान के लिए कुछ मत करो, मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग बाली उम्र में नहीं। कंट्रोल यार, कंट्रोल नहीं जय, कंट्रोल यार जय, जय पाजी तुम विरूपा। हाँ जय पाजी यार, इतने ताले तोड़े इतने ताले खोले, ये बम की प्रैक्टिस नहीं की यार, इसपे तो छे छे वायर है, कौन सा काटूं? वीरूपा जय पाजी। हाँ बोलो, तेरा फेवरेट कलर कौन सा है? जय पाजी ऐसे तो मेरी जिंदगी बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट रही है, लेकिन मेरी जिंदगी में रंगीनियत तब से आई है जब से टीना मेरी लाइफ में आई है। देखो सबसे पहले मैंने उसके लाल लाल होठों पर किस किया था, करेक्ट करेक्ट, फिर उसके बाद मैं उसके जब लाल लाल गाल देखता और माथे पे लाल लाल बिंदिया देखता तो मुझे उस पर बड़ा प्यार आता है। फिर जब वो लाल ओढ़नी वो पहनती है तो बहुत ही सोनी लगती है। मैं चाहता हूँ कि वो लाल जोड़ा पहन के मेरे घर और मेरे घर में एक लाल पैदा करे। जब अजी मेरा मोस्ट फेवरेट कलर आज की डेट में लाल है। लाल है? हाँ जी लाल। तो लाल काट दूं? हाँ आप एक काम करो, आप टीना का नाम लेके ना लाल काट दो। ठीक है। ओए टीना, ओए टीना कर गया। अरे अरे विरूपा जी हम क्वार्टर फाइनल जीत गए यार, अब सेमीफाइनल के लिए बोल को तुम्हारे काटूं। और जयपा जी आपका आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ओए मेरी बात सुन यार। हाँ जी। हमारी जिंदगी तो वीरान थी। आओ यार जब से रिंकी आई ना तो हरी भरी हो गई है, हरी ड्रेस पाई सी, हरा सैंडल पाई सी। जयपा जी आप रिंकी का नाम लेके ना हरा भी काट दो। ओए रिंकी। जयपा जी तो यार जब से रिंकी का नाम लेकर आपने ये वायर काटी है आपका दिल घड़ी की सुई की तरह टक 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 कर रहा है। ओ वीरूपा जी, ओ वीरूपा बम शुरू हो गया यार। जयपा जी कमाल है यार, ओए कमाल करता है यार, और मैंने कहा कि कुछ मत करो कुछ मत करो। कमाल करता है यार, तूने कैसी टीना से रिंकी तरह कंट्रोल यार, मैं तो कैसी, मैंने थोड़ी कैसी यार, कमाल करता है यार तू यार। कैंची कहां से लाए मुझे मारने के लिए? कंट्रोल कर यार, जेब में कैंची लेके घूम रहे हो यार, कंट्रोल कंट्रोल। अजय भाजी ये फटने वाला है, मर गए यार, कुछ सोच कुछ सोच। अजय भाजी कुछ सुझाई नहीं दे रहा। कंट्रोल कर यार, जपा जी क्या 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 फटेगा? मेरी बात तो सुन यार, कंट्रोल कंट्रोल कर, कुछ सोच। लेकिन वो लोग बात तो यार, ये लोग इतनी देर से अंदर गए हैं, कर क्या रहे हैं? अरे तू तो फिकर मत कर, फिकर मत कर, थोड़ी देर में जो कुछ भी करना है वो बम करेगा। इन लोगों के टुकड़े यूं गिरेंगे, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मुबारक हो आप लोग बच गए यार। सच्चे का पोल पाला, झूठे का भूखाला। मामा वो दोनों बच कैसे गए? बॉम्ब तो असली था ना? बॉम्ब तो सही था। हाँ, असली था। हाँ। मामा ये क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ। हाँ? मामा मामा संभाल के। ये डरा मत, वैसे मैं डरता नहीं फिर भी डरा मत। जय वीरू, जय वीरू, जय ये हुई ना बात है मामे। हाँ जय पाजी, हाँ ये कैसी रही? ओए बाथरूम तेरा, कमोड तेरा, बम तेरा तो फटे हम क्यों? हाँ? और किसी ने कहा है ना कि बम बम पे लिखा है फटने वाले का नाम है जयपाजी? हाँ जी। कुछ नहीं कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास, टांग उठा लो, हाँ फैला लो फर्स्ट क्लास, टांग लग जाएगा तो बम फट जाएगा, संभाल के रखना। मामा इतनी देर से ऊपर क्या कर रहा है? संजीव ऊपर जाके देख। हाँ जा। हाँ हाँ जाता हूँ। संजीव संभाल के, संभाल के। अजीब
पागल हो गए? संजीव भी ऊपर जाकर रुक गया। भैया मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा। शाबाश, जा जा भाई जा। चार के भाग गए। संजीव, 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 तो एक तू बोलता क्यों नहीं? संजीव, ये बाप लोग बहुत मारते हैं क्या? बाबू राव, मामला कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। ऐसा करते हैं, तू ऊपर जा। अच्छा, मामा तेरा, भाई तेरा, ऊपर मैं जाऊं? क्यों, मेरा हुक्म नहीं मानेगा क्या? क्यों मानूं, नौकर हूं तेरा क्या? ठीक है, गुस्सा क्यों करता है? टॉस कर लेते। मंजूर है, हेड आएगा तो मैं जाऊंगा, टेल आएगा तो तू जाएगा। डन। मोंटी, मोंटी, हे तुम लोग ठीक? भगवान तेरी लीला महान है, भगवान मुझे बचाओ। ये बचाने कोई है कि नहीं? माँ, ये मामा, मैं ही मामा हूँ, ये भांजे, बचाओ। गुंडे भाई, गुंडे भाई, गुंडे भाई, ये लो मैं पैसे ले आया हूं, ये ले लो और मेरे बच्चों को वीरू और जय को वापस कर दो। ए, कौन है तू? मैं राय बहादुर हूं। मामा, भांजे, मैं यहाँ हूँ। मामा वहाँ है। हा? मामा, जय वीरू, चुप। जय मामा, भांजे, मामा, भांजे, मामा, भांजे, मामा तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे बम्पे मुझे बिठाए। मेरे को कुछ पता नहीं है। लेकिन कैसे बिठाया? कहीं ऐसे तो अब जय और वीरू जहाँ पर भी है तुम्हें बचाने जरूर आएंगे। दो करोड़ चल जा, नहीं फुटना नहीं, चल करो। जय वीरू। जयपा जी, इधर आई साहब की आवाज लगती है यार। हाँ जी, हाँ जी, आओ। क्या कर दिया अंकल, सारा गेम खराब कर दिया आपने। और जयपा जी, वो बुजुर्ग आदमी, जरा प्यार से बात करो यार। सॉरी यार। हाँ प्यार से, वो कमाल करते हो यार, सारा गेम खराब कर दिया और बच्चों को फंसाने के लिए चले गए। कैसा बुजुर्ग है? ओए कंट्रोल कर यार, कंट्रोल, कंट्रोल यार। मैं तो प्यार से आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा हूँ। ओए साउंड, मैं उन्हें 2 करोड़ देकर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ और तू मुझे मार रहे हो। वीरूपा जी, हाँ, कोई तरीका सोच यार। बड़ा मुश्किल लग रहा है जयपा जी, अगर हम इनको उठाएंगे तो बैठाएंगे किसको? आप दोनों में से एक बैठ जाएगा। हम इतने शरीफ नहीं है अंकल। नहीं, इसका मतलब है कि हम लोग हैं लेकिन इतने नहीं है। हाँ, हाँ। अंकल एक तरीका है, तुसी जंप मार दो। पागल हो गए हो क्या? मैं पूरी जिंदगी इस कमोड पर बैठा रहूंगा लेकिन मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। ओ, यार वीरूपा जी, हाँ जी, एक और तरीका है। क्या? अब तू बैठो यार, हम लोग मरवाएगा क्या? मरवाएगा, बम फट जाएगा बम। नहीं।
अच्छा वो वाला तरीका है जी। मामा फटने की आवाज, बम फटा होगा। क्या बेवकूफों जैसी बात करते हो, बम इतने धीमे फटेगा क्या? और राय साहब आप कितना गिर गए हो यार कोई? राय साहब बम फटा नहीं और ऊपर से नीचे कुदवा दिया। विरूपा जी ये बम तो साला फटा नहीं, कहीं नकली बम तो नहीं है? और जयपा जी जमाना बड़ा खराब हो गया आजकल, अब तो बम में भी दम नहीं रहा यार। देखते हैं चलो। मामा संभल के। ए डरा मत, ऐसे डरता नहीं, डरता नहीं फिर भी। मामा संभल के। जय पाजी। हाँ वीरूपति। ये हम लोग मुंबई पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? पता नहीं। ये फिर भगवान ने इतनी अच्छी शक्ल दी है, ये नकली दांत लगाकर अपनी शक्ल क्यों बिगाड़ रहे हो? वो इसलिए कि कहीं आप हमें जय और वीरू समझकर फिर से अंदर ना कर दें जी। जय और वीरू, उनकी फाइल तो कब की बंद हो चुकी है, वो दोनों तो मर चुके हैं। वीरूपा जी, जयपा जी हम लोग मर गए और हमको पता तक नहीं। लेकिन अब जो तुम दोनों क्राइम करने जा रहे हो उसकी तो मैं जमानत भी नहीं होने दूंगा। मगर हम लोगों ने किया क्या है? वो देखो भाजी, तुसी कमाल हो, तुसी ग्रेट हो, तुसी टॉप हो, टॉप तुसी जिंदगी दी होप हो, होप। कंट्रोल यार, ओए नहीं होता यार। Yeah.